गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट सो स्टार्टिंग विद आर नेक्स्ट चार्ट रिविजन विच इज रिलेटेड टू पी जी बी पी ठीक है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफी स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है पी जी बी पी हमें अच्छे से आना चाहिए ठीक है तो आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ पी जी बी पी ओवर हेयर बट दैट टू वेरी क्विकली तो सेक्शंस आते हैं हमारे पास वेन एवर वी टॉक अबाउट पी जी बी पी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से सेक्शन ट्वेंटी एट से लेकर सेक्शन फोर्टी फोर के बारे में हम यहां पर बातें करेंगे ट्वेंटी एट से पहले ट्वेंटी सेवन तक हमने बातें की थी हाउस प्रॉपर्टी में लास्ट सेक्शन ट्वेंटी सेवन था डीम्ड ओनरशिप का ठीक है याद आता है आपको सो ट्वेंटी एट से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी एट इज चार्जिंग सेक्शन तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक लिस्ट भी दे दी है कि वट ऑल सेक्शन वी आर गोइंग वी हैव टू गोइंगी है ट्वेंटी एट से लेकर फोर्टी फोर तक यहां पर सेक्शन जा रहे हैं आप कुछ सेक्शंस के आगे देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है सेक्शंस आर ओनली फॉर एंड सी एस स्टूडेंट्स ठीक है छोटे छोटे हैं बट हाँ उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस होता है पीजीबीपी में कुछ सेक्शंस जो सी इंटर में नहीं होते हैं बट सीएमए और सीएमए इंटर और सी एस एग्जीक्यूटिव में होंगे तो आई एल बी डिस्कसिंग दो सेक्शन ऑल्सो ठीक है हम लोग ये पूरा बारे में बातें करेंगे देर वुड बी टाइम्स टाइम्स एज वेल तो सीए इंटर के स्टूडेंट्स जब मैं ये सेक्शंस डिस्कस करूंगा ऑल दो तो बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं ये तो आप स्किप करके आगे के सेक्शंस पर जा सकते हैं ठीक है स्टार्ट करें सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन 28 एट दैट इज चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी क्या मतलब होता है चार्जिंग सेक्शन का सबको पता है कि चार्जिंग सेक्शन पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कौन सी इनकम इस पर्टिकुलर हेड में आने वाली है और कौन सी इनकम इसमें कवर नहीं करते जैसे हम लोग सैलरी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ते थे 22 सेक्शन होता था बिल्डिंग हो एस उसका ओनर हो तो हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बना देते हैं इसी तरीके से सेक्शन 28 आई एम अगेन रिपीटिंग ठीक है मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ इस सेक्शन इसलिए मैंने दो तीन बार रेफर भी किया है और आगे भी अभी करूंगा सेक्शन 28 कहता है कि पीजीबीपी की इनकम हमें कब बनानी है तो सेक्शन 28 कुछ पॉइंट्स बताता है कि अगर ऐसे पॉइंट्स सेटिस्फाई हो तो पीजीबीपी की इनकम मानेंगे हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी असेसी किसी भी तरह का असेसी हो सकता है डाटा कुड बी एन इंडिविजुअल एच यू एफ कंपनी एओपी कोई भी हो सकता है टिकुलर पर्सन इफ दैट पर्टिकुलर असेसी इज है अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है कैसा भी बिजनेस करे या कैसा भी प्रोफेशन करे ठीक है और जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर में पूरा थ्री सिक्सटी फाइव डेज ही उसको प्रोफेशन करना है नहीं सेक्शन ट्वेंटी एट सिंपल सी बात यह बोलता है कि अगर असैसी ने बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन करता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो उस बिजनेस से या उस प्रोफेशन से होने वाली इनकम इस पीजीबीपी तो बहुत सिंपल सी लॉजिक अब देखो मैंने इतने जो पिछले एक दो मिनट में बातें की हैं उसका बिल्कुल लॉजिकली आप समझेंगे तो क्या आ, सिंपल सी बात है अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है तो उसकी कौन सी इनकम होगी सी, सिंपल सिंपल सी बात है पीजीबीपी की इनकम होगी ठीक है सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि अगर आपको कोई अपने क्लाइंट से या कस्टमर से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल जाती हैं आपका कस्टमर आपको कोई गिफ्ट दे देता है या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है जरूरी नहीं है कस्टमर से कभी कभी सप्लायर से भी मिल जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज तो दैट इज दैट विल बी कवर्ड ऑल्सो इन पीजीबीपी वो पीजीबीपी में ही कवर्ड होती हैं तो हम इसको ऐसा पढ़ते हैं कि एनी गिफ्ट एनी परक्यूज एनी टाइप ऑफ फैसिलिटीज वेदर इन कैश और इन काइंड आर रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर तो सैलरी होता है अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोफेशन मिल जाए तो ये पीजीबीपी की इनकम मैं एक छोटा सा देता पी फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोफेशनल है लॉयर ठीक है लॉयर ने किसी का केस लिया और उससे फीस मांगी फाइव लाख रुपीज ठीक है उसकी आ, किसी भी केस लड़ने की फीस थी वो फाइव लाख रुपीज दैट इज इज प्रोफेशनल इनकम पीजीबीपी में इनकम होगी और आ, वो लॉयर वो केस जीत गया उसका क्लाइंट उससे काफी खुश है और उसने उसको दो लाख रुपए एज अ गिफ्ट और दे दिए ठीक है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से उस केस को हैंडल किया था सो दिस पर्सन इज गेटिंग लाख एज प्रोफेशनल फीस एंड टू लाख एज अ गिफ्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इज बिजनेस और प्रोफेशन तो ये दो लाख रुपए जो मिले हैं उसको दैट इज ऑल्सो पीजीबीपी इनकम ठीक है तो गिफ्ट या भी हमें मिलता है दैट इज पीजीबीपी थर्ड है नॉन कॉम्पिटिंग फीस कॉम्पिटिशन ना करने के पैसे अगर आपको मिलते हैं तो भी ये

ठीक है कोई हमारा एक इंप्लॉई है वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है दैट इज एज की की मैन मैन मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन सो दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन हम उसके लिए इंश्योरेंस करा देते हैं कि अगर उसको कुछ हो जाए तो हमारा बिजनेस भी इफेक्ट होगा तो देखिए हमें अपना बिजनेस की चिंता भी है दैट इज द रीजन हमने उसका इंश्योरेंस कराया तो अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ मिसहेपनिंग हो जाती है एंड द इंश्योरेंस कंपनी गिव्स द अमाउंट गिव्स द क्लेम और वो क्लेम किसको मिलता है द पर्सन हु पेइंग द प्रीमियम प्रीमियम कौन पे कर रहा था बिजनेस ओनर बिजनेस मैन प्रीमियम पे कर रहा था वो अपने बिजनेस के लिए सेव करने के लिए उस पर्सन के ऊपर इंश्योरेंस कराया हुआ था अंडरस्टैंडिंग दिस तो जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है बिजनेस को मिलेगा तो दैट इज देयर पीजीबीपी इनकम वो उसकी पीजीबीपी की इनकम हो जाती है अब ये बात हम सैलरी में क्यों पढ़ते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मेरा कोई इंप्लॉई है मैंने उसके ऊपर इंश्योरेंस कराया हुआ था तो अगर उसको कोई कोई भी मिस होगी तो पैसे मिलेंगे मुझे मिलेंगे बिकॉज आई वॉज पेंग द प्रीमियम

ठीक है और ये बात हम आई एफ ओ में भी पढ़ते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसको फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हो गई तो मैंने मुझे लगा कि यार उसकी डेथ हो गई है मेरे बिजनेस में वो काम कर रहा था मैंने वो पैसे उसके फैमिली मेंबर्स को दे दिए तो फिर उस उन फैमिली मेंबर्स की इनकम हो गई दैट विल बी कवर्ड अंडर आई एफ ओ एस ठीक है तो एक बहुत छोटा सा समरी अगर मैं बताऊं द पर्सन हु इज रिसीविंग द मनी जिसको अल्टीमेटली पैसे मिले मिलेगी उसकी इनकम होती है अगर बिजनेसमैन के ही पैसे गए तो उनकी बीजेपी भी इंप्लॉय को पैसे मिले तो सैलरी अदर फैमिली मेंबर्स को मिले तो hope, uh, है कि अगर हम अपना स्टॉक कन्वर्ट कर देते हैं असेट्स में। देखो, जब उल्टा ठीक है इसका अपोजिट देखते हैं जब कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड में कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड में तो हम इसको कैपिटल गेन में पढ़ते थे अब नाउ आई एम सिंग इट अपोजिट लेट uh, से आपकी इन्वेंट्री आपका स्टॉक कन्वर्ट हो गया आपका स्टॉक था आपने स्टॉक कन्वर्ट कर दिया कैपिटल असेट में तो ये भी आपका स्टॉक जब स्टॉक ट्रांसफर करते हो तो पीजीबीपी की इनकम होती है ना तो आपने अपना स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में तो दैट वुड बी आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 28 एट यहां पर भी हम पीजीबीपी की इनकम बना देंगे और किस वैल्यू पर बनाएंगे जो भी इस स्टॉक की फेयर मार्केट वैल्यू है उसको हम मानेंगे वो सेलिंग प्राइस है ठीक है वो सेलिंग प्राइस है जितने का भी स्टॉक किया गया था दैट इज परचेज प्राइस तो फेयर मार्केट वैल्यू तो कितना बनेगा उस समय फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जितनी कॉस्ट कॉस्टली स्टॉक की जितनी भी वैल्यू आएगी जितना भी प्रॉफिट होगा ऑल दिस इज अ डीम्ड प्रॉफिट अभी क्योंकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है बट फिर भी पीजीबीपी की इनकम मान ली जाती है ठीक है लेट से फॉर एग्जाम्पल ये कैलकुलेटर मेरा स्टॉक इन ट्रेड है ठीक है मैं इस कैलकुलेटर में आ, का मेरा बिजनेस है ठीक है आई सेल दिस कैलकुलेटर लेट से फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर परचेज किया था फाइव हंड्रेड का ठीक है मैंने 500 का ये कैलकुलेटर परचेज किया था ठीक है इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैंने इसको मैंने इस मशीन को लेट से अपना कैपिटल एसेट बना दिया ठीक है मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था कैपिटल एसेट और जिस दिन मैंने कन्वर्ट करा इसको कैपिटल एसेट को उस, उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी सिक्स हंड्रेड रुपीज तो हम लोग कैसे बोलते हैं इसमें कि फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन हुआ सिक्स हंड्रेड हंड्रेड आपकी पीजीबीपी की इनकम हो जाती है बट माइनस कॉस्ट कितने का कैलकुलेटर खरीदा था फाइव हंड्रेड रुपीज का सिक्स हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड हंड्रेड रुपीज माई पीजीबीपी इनकम ठीक है नेक्स्ट है रेमनरेन रिसीव्ड बाय पार्टनरशिप फर्म टू अ पार्टनर जब पार्टनर को सैलरी मिलती है तो इज इट आर सैलरी इनकम ठीक है आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं ठीक है आपको सैलरी मिलती है अपनी पार्टनरशिप फर्म से या बोनस या कमीशन ये सब मिलता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फर्म में क्या आप इसको सैलरी में ले जाओगे द आंसर इज नो क्यों नहीं सैलरी में क्यों नहीं आता सेक्शन 15 कहता है साफ साफ देयर मस्ट बी आर रिलेशनशिप ऑफ इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय द पेयर मस्ट बी इंप्लॉयर द रिसीवर मस्ट बी इंप्लॉय ठीक है बट पार्टनरशिप बिकॉज यू आर अ पार्टनर ठीक है पार्टनर है क्या आप अपनी फर्म में इंप्लॉयी है द आंसर इज नो यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ योर फर्म दैट इनकम इज नॉट सैलरी इनकम बट वो कौन सी इनकम बन जाती है हमारी वो आती है आप एक पार्टनर partner है पार्टनरशिप फर्म में ठीक है और इसके ऊपर 40 स्मॉल बी भी आता है उसको भी डिस्कस करेंगे अगर आपको एक्सपोर्ट असिस्टेंस मिलती है एक्सपोर्ट असिस्टेंस किसी भी फॉर्म में अगर आपको मिलती है ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से किसी और व्यक्ति की तरफ से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है तो दिस इज अगेन योर पी इनकम कंपनसेशन ऑन ब्रीच ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उसके ऊपर कोई कंपनसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उसका कोई ब्रीच हुआ लेट इट आ, से कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था आपके पास किसी कंपनी की एजेंसी थी आप अपना बिजनेस कर रहे थे आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ किसी भी तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल

टू स्टार एंड अब कैटेगरी होटल हंड्रेड बेड या उससे ज्यादा क्या बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल याद आ गया तो ऐसे बिज़नेसेस को कैपिटल एक्सपेंडिचर जब वो करते हैं तो उनको हंड्रेड परसेंट रिडक्शन मिल जाती है ठीक है हंड्रेड परसेंट रिडक्शन ऑन दर के ऑन दर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो फॉर एग्जाम्पल उन लोगों ने एक मशीन खरीदी थी, ठीक है पांच लाख की और उन लोगों ने हंड्रेड परसेंट डिडक्शन दे लिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो ठीक है उस मशीन की वैल्यू जीरो हो गई बाद में ये मशीन बेच देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि तीन लाख की चार लाख की बेच देते हैं तो देखिए जीरो वैल्यू की चीज अब आप तीन या चार लाख की बेच रहे हैं तो दिस इज योर इनकम और वो कौन सी इनकम मानी जाएगी पीजीबीपी क्यों क्योंकि आपको रिडक्शन भी थर्टी फाइव एडी की पीजीबीपी में मिली थी आज आपकी वापस इनकम आ रही है तो अगेन दिस वुड बी योर पीजीबीपी इनकम तो आई बिलीव आपको जल्दी से और मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया बट फिर भी आई बिलीव कि इतना टाइम इसमें जस्टिफाइड है चार्जिंग सेक्शन में लगाना तो आई बिलीव कि आपको रिवाइज हो गया चार्जिंग सेक्शन ट्वेंटी एट ठीक है ये मेन पॉइंट एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है बट बिकॉज दैट आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट तो इसलिए मैंने मेन पॉइंट्स सारे डिस्कस कर लिए हैं ओके सेक्शन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन होता है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी की कैसे करेंगे ठीक है एक दो सेकंड का पॉज लीजिए टीक ट्वेंटी एट को डाइजेस्ट कर लीजिए ट्वेंटी एट इज वॉट वॉट चार्जिंग सेक्शन ठीक है चार्जिंग सेक्शन था पीजीवीपी का ट्वेंटी नाइन ठीक है ओके ट्वेंटी नाइन इज कंप्यूटेशन अपनी पीजीवीपी की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे ठीक है पीजीवीपी को कंप्यूट कैसे करते हैं तो हमें पता है कि एग्जाम में हमें एक पीएनएल अकाउंट मिलता है ठीक है पीएनएल अकाउंट मिलता है ठीक है उसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं इधर राइट साइड right में कुछ आपकी इनकम हो जाती है प्रॉफिट्स uh, दिखते हैं यहाँ पर सेल्स वगैरह दिखते हैं यहाँ पर तो डेबिट और क्रेडिट साइड होती है पीएनएल अकाउंट में फिर आपका नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस भी हो सकता है तो उससे आप अपनी पीजीबीपी की इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे तो सेक्शन 29 सिंपल तरीके से समझाता है कि जो वो पीएनएल अकाउंट है उसका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसी को बेस मानिए और उसी को अपनी उसी से अपनी कंप्यूटेशन शुरू कीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से दिस इज अ पीएनएल अकाउंट ठीक ये पीएनएल अकाउंट है यहां पर एक्सपेंसेस हैं, और यहां पर इनकम्स हैं। ठीक है बहुत सारे यहां पर एक्सपेंसेस हैं पर कुछ इनकम है 1, 2, 3. और इनकम so तो अपनी तो नेट प्रॉफिट को ही बेस मानेंगे तो कंप्यूटेशन कैसे करते हैं हम लोग हम बोलते हैं कि पीएनएल अकाउंट में हमारा कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है सबसे पहले उसको बेस मानिए फर्स्ट स्टेप

सही होने का मतलब है कि वेदर दे आर अलावेबल एक्सपेंस अलावेबल मतलब क्या वो थर्टी से लेकर थर्टी सेवन के जो हमारे सेक्शन हमारे होते हैं एक्सपेंसिस अलाउड क्या वो उस वो सेक्शन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू जितने भी सेक्शन है थर्टी से लेकर थर्टी सेवन क्या उसमें वो पर्टिकुलर सेक्शंस में वो एक्सपेंसिस रिलेट कर रहे हैं उससे इफ द आंसर इज यस हाँ सर कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है बट अगर कोई भी आपको एक्सपेंस मिला जो थर्टी से लेकर थर्टी सेवन में कवर्ड नहीं होता है तो आप क्या बोलते हैं कि दिस इज नॉट एन अलावेबल एक्सपेंस ठीक है आप कह लेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वेन यू कम टू दिस थर्ड एक्सपेंस आप ये जब थर्ड एक्सपेंस में आए तो आपने इसके ऊपर सेक्शन थर्टी लगाया थर्टी वन लगाया थर्टी टू लगाया थर्टी सेवन तक लगाकर देखे पर ही नहीं रहा था बिकॉज वो सेक्शन वो सेक्शन में Allow हो ही नहीं रहा था वो, particular expense. तो आप फिर ultimately क्या बोलते हो कि बॉस ये ये एक ऐसा है से लेकर में नहीं आता है तो ये गलत एक्सपेंस है हम इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते तो इसको आप क्या कर देते हो कर देते हो आप एड कर देते हो आप कहते हो कि ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है थर्टी से थर्टी सेवन में कवर्ड नहीं था एक्सपेंस नॉट अलाउड तो आपने इस एक्सपेंस को ऐड कर दिया मतलब आपने कहा कि गलत एक्सपेंस लिखा हुआ था ये हम आपका खर्चा नहीं मानेंगे ठीक है भाई खर्चा हटा दिया तो आपके प्रॉफिट बढ़ गए इसलिए ऐड कर दिया आपने तो स्टेप वन होता है पीएनएल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो लिख लेना सेकेंड स्टेप होता है एक्सपेंसिस देखना कि आपके एक्सपेंसिस में क्या क्या लिखा हुआ है क्या वो सभी एक्सपेंसिस थर्टी से लेकर थर्टी में आते हैं या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो थर्टी से थर्टी में नहीं आता एंड इट शुड बी डिस ठीक है फिर आप अपनी इनकम देखिए ठीक है इनकम के साइड में कौन कौन सी इनकम लिखनी है तो आपको देखना हो है कि आपकी ऐसी इनकम होनी चाहिए जो सेक्शन 28 में चार्जिंग सेक्शन में कवर्ड हो रही हो या फिर एक और दूसरा सेक्शन होता है इनकम का पीजीबीपी में आपको याद आ जाएगा 41 वन फोर्टी इज डीम्ड बिजनेस इनकम 41 वन इज डीम्ड बिजनेस इनकम ठीक है 41 के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं ये दोनों ही हमारे इनकम के सेक्शन है 28 और 41 ठीक है हम लोग कर रहे हैं पीजीबीपी सेक्शन 28 से लेकर 44 तक हम बातें करते हैं और इस 28 से लेकर 44 में दो सेक्शन है इनकम के जो इनकम बताते हैं तो 28 चार्जिंग सेक्शन कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में आती है और 41 कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी की मानी जाएंगी दैट वी कॉल्ड डीम्ड बिजनेस इनकम ठीक है कमिंग बैक स्टेप वन प्रॉफिट लिख लिया स्टेप टू एक्सपेंसेस चेक कर लिए स्टेप थ्री इनकम चेक करिए क्या आपने को यहां पर जो इनकम लिख रखी है क्योंकि वो बिजनेस इनकम लेनी है हमें बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग पीजीबीपी तो हमें पीजीबीपी के अलावा बाकी चीजें नहीं देखनी है तो फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट इनकम पता चली हाँ ये तो सेक्शन ट्वेंटी में या फोर्टी में आती है सेकेंड इनकम के बारे में पता चला हाँ ये भी आती है और लेट से थर्ड इनकम आपको ऐसी पता चली कि नहीं सर ये इनकम पीजीबीपी के सेक्शन में अट्रैक्ट नहीं होती है सर ये इनकम तो किसी और हेड की है किसी और हेड की मतलब हो सकता है सैलरी के हेड में आती है या फिर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आती है या फिर आई एफ ओ एस में आती है कैपिटल गेन में आती है तो ऐसी इनकम को आप पीजीबीपी इनकम नहीं मानते तो इसको यहां से इनकम को हटा दीजिए और हटाने का मतलब क्या है लेस करेंगे यहां से तो एनी इनकम जो पी एन एल अकाउंट में आपने लिख तो रखी है बट नॉट कवर्ड अंडर 28 28 या 41, 28 और 41 में नहीं आती किसी दूसरे हेड में आती है तो आप ऐसी इनकम को यहां से हटा देंगे लेस करेंगे पक्का लेस क्यों करेंगे क्योंकि आपने इस इनकम को कंसिडर किया हुआ था बट दिस इज नॉट योर पीजीबीपी इनकम तो यहां से इसको हटा दीजिए लेस कर दीजिएगा ठीक है या फिर हो सकता है कि ये एक ऐसी इनकम हो जो एग्जेम्ट हो सेक्शन टेन में फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम तो अगर ये इनकम एग्जेप्ट है तो फिर क्या ये पीजीबीपी के हेड में ले जाएंगे या फिर इसको पूरी तरह हटा देंगे इसको पूरी तरीके से हटा देंगे बिकॉज दिस इज नॉट आर टेक्सेबल इनकम ये एग्जाम इनकम होती है तो ऐसी इनकम को भी आप लेस करते हैं मुझे बताइए कौन कौन सी इनकम को लेस करेंगे आप एनी इनकम विच इज कवर्ड इधर अंडर अंडर एनी अदर हेड एनी अदर हेड मतलब अदर देन पीजीबीपी वो सैलरी के हेड की इनकम है तो सैलरी में ले जाइए यहां से हटाइए सैलरी में ले जाइए आई एफ ओ एस की इनकम है तो यहां से हटाइए आई एफ ओ एस मिले जाइए कैपिटल गेन या हाउस प्रॉपर्टी ठीक है अदर देन पी जीवी पी तो मैंने बाकी के चार हेड्स के नाम लिए या फिर अगर वो इनकम एग्जेम्ट है तो उसको यहां से हटा दीजिए तो इसी इनकम को यहां से हटा देते हैं अब मुझे बताइए आपने पूरा पी एन एल अकाउंट देख लिया नेट प्रॉफिट देख लिया एक्सपेंसेस देख लिए इनकम देख ली ठीक है अब क्या देखते हैं अब आप अपनी इंफॉर्मेशन देखते हैं जो भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है ठीक है अब वो इंफॉर्मेशन किसी एक्सपेंस के बारे में दी हो, हो सकती है हो सकता है किसी इनकम के बारे में हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन में ऐसा एक्सपेंस मिलता है कोई भी ऐसा एक्सपेंस मिलता है जो सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी में कवर्ड होना चाहिए तो ऐसे एक्सपेंस को आप कंसिडर करेंगे कंसिडर करने का मतलब है आप उसको एक्सपेंस मानेंगे एक्सपेंस मानेंगे तो लेस करेंगे या फिर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो इनकम के बारे में थी और ऐसी इनकम के बारे में रेफर हो रही है कि वो 28 में आनी चाहिए या 41 में आनी चाहिए जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं लेट से नीचे यहां पर कोई इंफॉर्मेशन लिखी हुई है नॉन कॉम्पिटिंग फीस के बारे में या फिर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला ठीक है अब देखो अस एसी को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला उसने यहां पे नहीं लिख रखा था बट वो इंफॉर्मेशन में जाके पता चला आपको तो आप क्या बोलते हो सर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला अगर बिजनेस को तो दैट इज माय बिजनेस इनकम तो आप फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक करते हो एक्सपेंस अलाउड है तो लेस करते हो इनकम कवर्ड है ट्वेंटी एट या फोर्टी वन में तो आप उस इनकम को ऐड करोगे और अल्टीमेटली आपकी यहां पर पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी सब कुछ समझ में आ गया कंपटीशन कमिंग बैक सेक्शन ट्वेंटी नाइन ऑफ पीजीबीपी नेट प्रॉफिट एस और पी अकाउंट यहां से शुरुआत करेंगे फिर क्या देखेंगे एक्सपेंसेज ठीक है

अगर आपको इन्फॉर्मेशन में ये दोनों पॉइंट इन्फॉर्मेशन के हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन में कोई ऐसी इनकम मिले जो 28 में आती है 41 में आती है ठीक है 41 में जैसे लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल एक्जाम्पल डेट्स रिकवर्ड हो गए आपके तो डेट्स रिकवर्ड इज माई बिजनेस इनकम डीम बिजनेस इनकम मानते हैं इसको तो अगर आपको कोई ऐसी इनकम मिल जाए इन्फॉर्मेशन में क्योंकि पीएनएल अकाउंट में तो मिली नहीं थी पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो नहीं थी बट आपको इन्फॉर्मेशन में आपको ऐसी इनकम मिल गई तो उसको आप एड करेंगे या फिर आपका कोई एक्सपेंस जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं था बट इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ था और वो थर्टी से लेकर थर्टी सेवन में आता है तो उसको आप कंसिडर करेंगे एक्सपेंस को करने का मतलब है कि आप इस खर्चे को मानेंगे और आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे उससे ठीक है आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया so, इससे आपकी पीजीबीपी इनकम आएगी और मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर सेक्शन बैकबोन है पीजीबीपी की दिस इज द बैकबोन ऑफ पीजीबीपी जो भी आपको पीजीबीपी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जब सॉल्व करना होता है तो आपको यही इस तरीके से आप कंप्यूटेशन करते हैं ठीक है section क्या होता है 28? 28 is PGBP charging section. कौन सी इनकम की मानी जाती ठीक है तो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े कि ऐसी इनकम को हमेशा पीजीबीपी की इनकम मानेंगे ट्वेंटी एट भी है और ही मिलता जुलता सेक्शन फोर्टी वन भी है 41 is business income, उसके बारे में बातें करेंगे दूसरा सेक्शन हमने पढ़ा सेक्शन 29 29 ऑफ पीजीबीपी पीजीबीपी कैसे करोगे PGBP, तो अकाउंट के बेसिस पर आप अपनी इनकम को कंप्यूट करेंगे अच्छा कभी कभी ना एग्जाम में देखा गया पीनल अकाउंट नहीं मिलता रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट मिल जाता है नहीं होता. जितने देखो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मिले तो इनकम एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट वन द सेम थिंग बट अगर रिसिट्स एंड पेमेंट रिसिट्स एंड पेमेंट इस अ कैश बुक ठीक है जितने भी रिसिट्स आई और जितना भी एक्सपेंसेस गए तो उस केस में तो आपको प्रॉफिट नहीं पता होते फिर आप कैसे करोगे कंप्यूटेशन तो फिर आप थोड़ा सा अपना अच्छे से दिमाग लगाइएगा कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट मिलता है यहां पर रिसिट्स और यहां पर पेमेंट ठीक है तो आप क्योंकि सर यहां पे हम पीएनएल अकाउंट से कैसे शुरुआत करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी फॉर एग्जांपल रिसिट नंबर वन रिसिट नंबर टू रिसिट नंबर थ्री रिसिट नंबर फोर इस तरीके से दी होगी ठीक है और यहां पर पेमेंट नंबर वन पेमेंट नंबर टू पेमेंट नंबर थ्री पेमेंट नंबर फोर दिया होगा ठीक है आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होगा और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी दिया होगा क्लोजिंग बैलेंस ठीक है यहां पर दिया होगा आपको ओपनिंग का और क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना है यहां पर ठीक है यू डोंट हैव टू टच दिस ठीक है ओपनिंग बैलेंस क्या था क्लोजिंग वो तो कैश का बैलेंस था ठीक है वो आपको कैश या बैंक का बैलेंस था उसको आपको ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान देना है कि कितने पैसे हमारे पास आए और कितने पैसे हमारे पास गए अब देखो एक तरीके से मैं कह सकता हूं जो पैसे आते हैं दैट इज योर इनकम एक तरीके से कह सकते हैं ना कि दिस इज अ काइंड ऑफ योर इनकम ये आपकी इनकम है और जितने पैसे गए

तो आप उसको मत लीजिएगा आप सिर्फ किस कौन से रिसिट को लीजिएगा जो सेक्शन 28 में आती है या 41 में आती है ठीक है फॉर एग्जांपल आपको आर टू पता चला आर टू पता चला कि आपने सेल किया है अपना स्टॉक अब मुझे बताइए जब स्टॉक आपने सेल किया है दिस इज योर बिजनेस रिलेटेड इनकम तो आप इसको कंसिडर करेंगे तो आप, आपको वही रिसिट्स को कंसिडर करना है जो आपकी बिजनेस रिलेटेड है ट्वेंटी या फोर्टी ठीक है और इसी तरीके से ये आप अपनी इनकम मान लीजिएगा इन सबको ऐड करिएगा ऐसी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ऐसे को और बिजनेस रिलेटेड और एक्सपेंसेस जितनी भी पेमेंट है आप ये देखिए कि क्या ये पेमेंट थर्टी से लेकर थर्टी सेवन में से रिलेटेड है क्या ठीक है फॉर एक्जाम्पल जैसे थर्टी होता है सेक्शन थर्टी थर्टी इज योर एक्सपेंस रिलेटेड टू योर बिल्डिंग आपने बिल्डिंग का रेंट दिया है बिल्डिंग की रिपेयर कराई है बिजनेस की बिल्डिंग की तो प्लीज बताइए वो आपका बिजनेस का एक्सपेंस होता है तो आपको इसमें से वो पेमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो थर्टी से लेकर थर्टी सेवन में आती है तो आप जितनी भी पेमेंट उससे रिलेटेड है तो उसको आप माइनस कीजिए तो बिजनेस रिसिट्स कौन सी जो बिजनेस रिलेटेड हो एक्सपेंसेस कौन से जो बिजनेस रिलेटेड हो तो आपकी पीजीवीपी पे इनकम आ जाएगी और आपको अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो अकॉर्डिंगली प्लीज उसको कंसिडर कीजिएगा ठीक है तो रिसेप्स पेमेंट भी आ जाए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और आई बिलीव आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी अपनी प्रैक्टिस में किए होंगे कमिंग बैक अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन ट्वेंटी नाइन कॉम्पिटिशन खत्म हुआ अब हम बातें करेंगे सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी सेवन तक की बातें होंगी यानी कि एक्सपेंसेस की, की बातें करने वाले हैं हम अगले कुछ देर तक कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं पीजीबीपी में तो यू अंडरस्टैंड सेक्शन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर बिल्डिंग जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो ठीक है ये आपकी शॉप हो सकती है आपकी फैक्ट्री हो सकती है गोडाउन हो सकता है इस तरह की बिल्डिंग जो तो आपके बिजनेस में यूज हो रही है अगर वो आपकी पर्सनल बिल्डिंग है ठीक है उससे रिलेटेड एक्सपेंस हम नहीं कंसिडर करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिविजुअल कोई एस एस बिजनेस करता है बट उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में उसकी फैमिली भी रहती है तो फिर तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया अगर वो बिल्डिंग दोनों पर्पज के लिए यूज होती है बिजनेस के लिए भी होती है नॉन बिजनेस के लिए भी यूज होती है तो आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस अलाउ करते हैं जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं ठीक है थीके? तो सेक्शन थर्टी कहता है कि आपका जो बिजनेस की बिल्डिंग है उससे रिलेटेड अगर आपने कोई रेंट पे किया है रेंट 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 पेड एक्चुअल होना चाहिए नोशनल नोशनल नहीं क्या होता है? कहते है सर अगर ये मेरी खुद की बिल्डिंग है और अगर मैं अपने आप कोई रेंट पे करता तो इतना पे करता तो ये मेरा एक्सपेंस है नो देट दैट शुड बी योर एक्चुअल रेंट नोशनल रेंट नहीं होना चाहिए ठीक है और सर ये एक्चुअली पे होना चाहिए क्या या फिर अगर अभी ड्यू हो गया पर पे नहीं करा तो अलाउड होता है क्या अब ये वाला आंसर हमें कहां पे मिलता है सेक्शन 145 में 145 होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग जब आप पीजीवीबी कंप्यूट uh, करते हैं तो आप किस तरीके से एक्सपेंसेस लेते हैं किस तरीके से इनकम लेते हैं कैश बेसिस पर या फिर अक्रुअल मतलब मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करते हैं आप तो किस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं जो पे हो गए सिर्फ उसको कंसीडर करना है या फिर जो ड्यू हैं बट अभी पे नहीं हुए हैं उसको भी करना है तो यू अंडरस्टैंड सेक्शन 145 क्या कहता है पीजीबीपी के बारे में कि पीजीबीपी कंप्यूट करेंगे एस पर ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द एस अगर एस अपने अकाउंट कैश बेसिस पर बनाता है तो उसके सारे एक्सपेंस और सारी इनकम कैश बेसिस पे लीजिए और अगर एस अपने अकाउंट मर्केंटाइल सिस्टम पर बनाता है मतलब अप्रूवल बेसिस पर ड्यू बेसिस पर बनाता है तो उसके हम एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ड्यू बेसिस पर ही कंसिडर करेंगे वेल कैलकुलेटिंग योर पीजीबीपी इनकम और जनरली क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा बताइए हम अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पर मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पर ठीक है तो हम अपना वेदर इट एज पेड और नॉट पेड बट स्टिल वी विल अलाउ दैट एक्सपेंस ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट पे किया है अब हमने पूरे ये बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस में एक बिल्डिंग यूज कर रहे थे उसका रेंट आता है टेन थाउजेंड पर मंथ आता है हमने पूरा बारा महीने इसको रेंट पर लिया बट अभी सिर्फ का रेंट पे करा है अभी ट्वेल्थ मंथ का रेंट पे नहीं करा है तो क्या ग्यारह महीने का रेंट अलाउड है बारह महीने का डिपेंड करता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या फॉलो कर रहे हैं और जनरली क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा क्या फॉलो कीजिएगा बर्केंट्रल सिस्टम मतलब पूरे बारह महीने का अलाउ कर दीजिएगा सर एक महीने का पे नहीं हुआ है वो भी अलाउड हो जाएगा हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा ठीक है दैट इज ऑल्सो अलाउड तो रेंट रेट्स आपने इस बिल्डिंग के रेट्स एंड टैक्सेस क्या होते हैं इस बिल्डिंग के फॉर एग्जाम्पल म्यूनिस्पल टैक्सेज हैं वो पे किए हैं रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग अगर इस बिल्डिंग की रिपेयर कराई है आपने ठीक है इस बिल्डिंग का मतलब ये है ये आपकी फैक्ट्री नजर आ रही है आपको इट कुड बी योर गोडाउन इट कुड बी योर शोरूम इट कुड बी योर शॉप एनीथिंग ठीक है अगर आपने उसकी रिपेयर कराई है या फिर उसका इंश्योरेंस कराया है तो दैट इज ऑल कवर्ड अंडर सेक्शन 30 30 में कवर्ड है सर कैसे पेमेंट बेसिस पर या अक्रूवल बेसिस पर भी डिपेंड करता है एज uh, पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द दी जनरली अक्रूवल बेसिस पर मर्केंटाइल सिस्टम बेसिस पर आप लीजिएगा अनलेस एंड एंटल क्वेश्चन कैश बेसिस ना बोल दे अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉस दिस इज मेंटेनिंग हिज अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस तो फिर कैश बेसिस पर ही आप लीजिएगा अदरवाइज मर्केंटाइल सिस्टम बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मुझे लगता है आपको इस नंबर के साथ ही याद होगा ये सेक्शन 43 बी 43 बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ पीजीबीपी 43 बी मैं अपनी क्लास में बहुत ज्यादा देता हूं इस सेक्शन पर 43 बी पर 43 बी होता क्या है 43 बी होता है एक्सपेंसिस सम एक्सपेंसिस विच आर अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट अगर उनकी पेमेंट हो गई है वो तभी अलाउड होते हैं ठीक है आप पेमेंट प्रीवियस ईयर में कर दीजिए या ड्यू डेट ऑफ आर तक कर दीजिए तो आप कई एक्सपेंस माना जाता है अगर पेमेंट नहीं हुई है तो हम इसको एक्सपेंस नहीं मानते हैं ठीक है द असेसी बी फॉलोइंग बेसिस ऑफ ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है बट स्टिल हम वो एक्सपेंसिस फोर्टी थ्री बी हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट है पांच छह एक्सपेंसिस की तो उसको हम तभी अलाउ करते हैं जब वो उसका एक्चुअल पेमेंट हो गया हो और उसमें से उस पांच छे जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हैं उसमें से एक एक्सपेंस है किसी भी तरह का जब आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है ये तो किसी भी तरह का जब आप टैक्स पे करते हैं तो इफ इट इज योर बिजनेस एक्सपेंस अलाउड है नो डाउट अलाउड है बट उसका पेमेंट हो जाना चाहिए अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो आप क्या कह सकते हैं ड्यू बेसिस पर सर मैं इसको अलाउ करा रहा हूँ नो इट शुड बी एक्चुअली पेड बिकॉज दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इज स्पेशल काइंड ऑफ एक्सपेंस जो फोर्टी थ्री बी में आता है तो किसी भी तरह टैक्सेस की बातें यहां पर क्या हो रही है रेट्स रेट्स एंड एंड टैक्सेस टैक्सेस आर काइंड ऑफ टैक्स टैक्स है ठीक है किसी भी तरह के टैक्स हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं तो दीज आर अलाउड ठीक है बाकी का रेंट हो गया रिपेयर हो गया इंश्योरेंस हो गया ये तो ड्यू बेसिस पर भी हो जाएंगे बट आपके रेट्स एंड टैक्सेस ठीक है दीज आर अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट ठीक है और दूसरी बातें मैंने नॉर्मल बातें जो मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ ऑलरेडी पर्सनल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए अगर बिजनेस की बिल्डिंग दोनों तरीके से यूज हो रही हो बिजनेस के लिए भी नॉन बिजनेस के लिए भी तो आप प्रोपोर्शनेटली अलाउ करोगे ठीक है ये बात हम सेक्शन 38 में भी पढ़ते हैं प्रोपोर्शनेट डिडक्शन ठीक है इफ यू आर इनकरिंग सम एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस एज वेल एज योर नॉन बिजनेस पर्पज तो हम सिर्फ उतना ही अलाउ करते हैं जितना वो बिजनेस पर्पज से रिलेटेड होता है ठीक है और आपको यहां पर भी मैंने एक बार रिमाइंड करा दिया है कि रेट्स एंड टैक्सेस आर अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पर अलाउ करते हैं क्योंकि इसके ऊपर सेक्शन 43 बी लगता है अब आप देखेंगे 43 बी काफी जगह पर रेफरेंस देगा अपना ओके सेक्शन 30 कर लिया ठीक है एक लंबी घेरी सांस ले लें ओके दोबारा से याद करें क्या क्या, क्या किया अभी ट्वेंटी खुद ही ट्वेंटी एट होता है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पी जी बी पी ट्वेंटी ठीक है 29, अपने दिमाग में याद कीजिए कि ट्वेंटी नाइन को कैसे कंप्यूट करते थे पी एन एल अकाउंट होता है नेट प्रॉफिट लेते हैं एक्सपेंसेस देखते हैं इनकम देखते हैं ठीक है कोई भी ऐसी इनकम जो दूसरे हेड की है या एग्जिमट है उसको हटा देते हैं वहां से और फिर अपनी इंफॉर्मेशन चेक करते हैं ठीक है so फिर हम लोगों ने शुरू किया है section 30 से लेकर 37 वाला जो कहता है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं, ठीक है कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं? व्हेन यू कंप्यूट योर पीजीबीपी सो अलाउड वेल कंप्यूटिंग दिस पर्टिकुलर हेड इनकम सो सेक्शन थर्टी में पढ़ा कि जो आपकी बिल्डिंग होती है बिल्डिंग से रिलेटेड अब देखो मुझे बताइए बिजनेस में तो बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं ना बट अभी हमने सिर्फ किसके बारे बारे में बारे में में पढ़ा बिल्डिंग बिल्डिंग के जो आपने बिजनेस यूज करते हो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर फर्नीचर जो आप फर्नीचर यूज करते हो अपनी बिल्डिंग uh, में या फिर अपने बिजनेस में और प्लांट एंड मशीनरी ठीक है प्लांट मशीनरी और फर्नीचर के बारे में अब देखो अपनी मशीन का फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फैक्ट्री लेट से आपकी एक फैक्ट्री है और आप कपड़ा बनाते हैं ठीक है यू हैव अ क्लोथ मेकिंग फैक्ट्री तो प्लीज बताइए आपके पास मशीन भी होंगी और उस मशीन के ऊपर कोई खर्चे भी होते होंगे जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चा होता होगा उसका ठीक है उस मशीन का इंश्योरेंस भी कराते होंगे या फर्नीचर का रिपेयर होता होगा तो क्या उसको भी बिजनेस एक्सपेंस मानेंगे तो आंसर इज यस लॉजिकल है बॉस वो हमारे बिजनेस में यूज होती है विल कंसिडर दैट एज अ बिजनेस एक्सपेंस तो हमारा जो प्लांट मशीनरी या फर्नीचर से रिलेटेड एक्सपेंस सेक्शन थर्टी दो तरह के एक्सपेंस लिए गए हैं रेंट ऑफ मशीन क्या मशीन रेंट पर भी ले सकते हैं ले सकते हैं पर थर्टी वन में कवर्ड नहीं है रेंट देख लीजिए मैंने सिर्फ और सिर्फ दो तरह के एक्सपेंस लिए हैं रिपेयर एंड इंश्योरेंस ठीक है मैं एक एग्जाम्पल दू आपको लेट से यू हैव अ बिजनेस आपका एक बिजनेस है और जिस लोकेशन पर है ना वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है पावर कट होता रहता है वहां पर ठीक है पावर कट बहुत ज्यादा हो जाता है और आपका सुबह फैक्ट्री खुलती है नौ बजे शाम को फॉर एग्ज़ाम्पल सात बजे तक वो रहती है नौ बजे से सात बजे तक दस घंटे आप काम करते हैं वहां पर ठीक है और आपके इम्प्लॉज़ भी हैं वर्कर्स भी हैं बट बीच में तीन चार घंटे के लिए पावर कट हो जाता है अगर पावर कट हो जाता है तो यू नीड अ जनरेटर ठीक है तो आप जनरेटर ख़रीद के लेकर आएंगे ठीक है और मान लेते हैं कि अभी शुरू में जनरेटर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो आपने किराए पर ले लिया

आपको पता ही होगा वो थर्टी सेवन में आता है ठीक है थर्टी सेवन में हम लोग बातें करेंगे तो आ, अगर रेंट पर लिया आपने मशीन वगैरह तो कहीं और चला जाएगा ठीक है बिजनेस no बिजनेस एक्सपेंस एक्सपेंस है 31. 31 है नो डाउट बट नॉट इन में आती आती इंश्योरेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिपेयर नहीं होनी चाहिए इट तो इट शुड शुड करंट रेवेन्यू तो इन नेचर ठीक है और अगर आपके पास मशीन है या फर्नीचर है बिजनेस के लिए भी यूज होता है नॉन बिजनेस के लिए भी यूज होता है तो क्या करेंगे प्रोपोर्शनेटली जितना बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है आप उतना ही मानेंगे डन विथ थर्टी एन थर्टी वन नाउ कम टू अनदर गुड सेक्शन थर्टी टू डेप्रीसिएशन ठीक है मुझे पता है कि आपको थर्टी टू तो ठीक है आता जितना भी है ठीक है आता अच्छे से भी होगा बट थर्टी टू नंबर आपको सबको याद होगा थर्टी टू बोले तो डेप्रीसिएशन ट्वेंटी एट भी शायद याद ना हो चार्जिंग सेक्शन बट थर्टी टू डेप्रीसिएशन तो सबको याद होता है कि सर थर्टी टू डेप्रीसिएशन का होता है ओके एंड इट्स अ वेरी इजी सेक्शन सेक्शन थर्टी टू कहते हैं डेप्रिसिएशन आप अपने बिजनेस एसेट्स पर जो आप अपने बिजनेस में अपने एसेट्स यूज कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं इट्स एन अलावेबल एक्सपेंस तो कितना भी डेप्रिसिएशन हो सकता है क्या हो तो सकता है बट इट शुड बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन थर्टी टू थर्टी टू के अकॉर्डिंग कंप्यूट किया गया हो दो तीन बेसिक बातें हम लोग डेप्रिसिएशन सेक्शन थर्टी टू में वाइल कंप्यूटिंग और पीजीबी पे अलाउ करते हैं कौन सा मेथड यूज करते हैं WDV method, written down value method, कोई और और नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ, I believe आपको याद आ गया होगा, में, ठीक है, तो SLM use करते हैं, ठीक है, हाँ, अगर वो चाहें तो फिर डब्ल्यू डीवी यूज कर सकते हैं बट तो जनरली एस एल एम वो यूज करते हैं बाई डिफॉल्ट उनको एस एल एम मिलता है ठीक है स्ट्रेट लाइन मेथड और वो अगर चाहें तो फर्स्ट ईयर में अपनी रिटर्न फाइल करते समय ऑप्ट कर सकते हैं डब्ल्यू डीवी बट हाँ अगर उन्होंने डब्ल्यू ऑप्ट किया तो फिर अपनी वो पूरी लाइफ में डब्ल्यू ही रखेंगे फिर चेंज नहीं कर सकते तो डिसीजन पूरा अब जब तक वो बिजनेस चलेगा तब तक वो अपना चेंज नहीं कर सकते मेथड कमिंग बैक बाकी जितने भी बिजनेसेस हैं अदर देन पावर जनरेटिंग बिजनेस उस लोग सब लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं दूसरी बात ठीक है हम इंडिविजुअल असिट्स

तो अगर बिल्डिंग के ऊपर रेट है, है? आपके पास तीन ठीक सबके ऊपर लगेगा, तो आप उसको क्या करते हो? पूरा एक ब्लॉक मान के उसके ऊपर फिर लगाते हैं। तो जब कभी भी हम वी विल अप्लाई डेप्रिसिएशन ऑन ब्लॉक वाइज ठीक है वाइज हम लोग डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं बिल्डिंग टेन परसेंट वाला अलग ब्लॉक बनेगा बिल्डिंग से भी प्लांट मशीनरी अलग ब्लॉक बनेगा फोर्टी परसेंट अलग बनेगा ठीक है फर्नीचर एंड फिटिंग का तो एक ही ब्लॉक होता है टेन परसेंट का, का भी एक ही ब्लॉक होता है ठीक है uh, कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट का और शिप्स का ब्लॉक आ गया ओके okay. क्शन थर्टी टू डेप्रीसिएशन एक्सेप्शन चाहे तो डब्ल्यू डीवी यूज कर सकते हैं वो. हमेशा ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर चार्ज कीजिएगा इंडिविजुअल पर ना करें दूसरा अगर असेट एक्वायर करा गया प्रीवियस ईयर में बट वो वन एटी डेज से कम यूज हुआ है तो हम उसके ऊपर हाफ डेप्रीसिएशन लगाते हैं बिकॉज तीन तरह के लगते हैं या तो फुल रेट से लगेगा जैसे फॉर एक्साम्प्लान मशीनरी है तो 15 परसेंट लगेगा बट तो अगर प्लान एक्वायर की गई 180 डेज से कम यूज हो पाई तो हम उसके ऊपर आधा लगाते हैं आधा मतलब 15 की जगह 7.5 हो जाता है ठीक है और अगर असेट अभी यूज ही नहीं करा सिर्फ आपने परचेज करा है ठीक है अभी इंस्टॉल भी नहीं करा बिल्कुल पैकेट में बंद है वो ठीक है अभी यूज भी नहीं करा खोला तक नहीं है इंस्टॉल भी नहीं करा है तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं ठीक है इफ एसेट इज नेवर पुट टू यूज नो डेप्रीसिएशन हाँ बट अगर कोई ऐसा असेट है जिसको आप लेकर आते हैं ठीक है ऑल दो आपने उसको यूज नहीं करा है बट फिर भी वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह यूज हो रहा है जैसे कि जिसको हम कहते हैं पैसिव यूज पैसिव यूज का मतलब मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल आप अपने यहां पे फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आए फायर एक्सटिंग लेकर आए और वो आपने वो रख दिया लाकर ठीक है अब उसको यूज कब करेंगे यूज तब करेंगे जब आग लगेगी ठीक है वरना तो ऐसे ही रखा हुआ था ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर वो तीन चार साल तक ऐसे रखा रहे तो क्या वो बिल्कुल नया है या पुराना हो गया सर वो तो पुराना हो गया वो रखे रखे ही डेप्रिशिएट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड पैसे और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ स्टैंड बाय मशीन स्टैंड बाय मशीन समझते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है आप एक मशीन यूज करते हैं आपने दूसरी मशीन के पार्ट्स या कोई दूसरी मशीन भी साइड में रख दी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मशीन हमारी खराब हो गई कभी कभी चलते चलते प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा रुक जाएगा तो दैट इज द रीजन कि आपने कुछ स्टैंड बाय मशीन रख रखी है ठीक है और स्टैंड बाय मशीन की भी अपनी लाइफ है पांच साल मान लेते हैं उसकी लाइफ है तो लेट से आपने आप अपनी ओरिजिनल मशीन यूज कर रहे थे और आपने स्टैंड बाय मशीन भी लाकर यहां पर रख दी ठीक है और फॉर एक्जाम्पल वो पांच साल तक यूज ही नहीं हुई ठीक है फॉर एजाम्प आपकी ओरिजिनल मशीन ही चलती रही और पांच साल के बाद वो बेकार हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल दैट मशीन तो क्या आप उसके ऊपर डिप्रेशन क्लेम नहीं कर सकते कर सकते हो बिकॉज दैट इज अ पैसिव यूज वो उसका पैसिव यूज हो रहा है ठीक है तो जिसके लिए जो चीजें कुछ ऐसे एसेट्स असे भी होते हैं जो आप कभी कभी अपने बिजनेस में लाते हो ठीक है बट वो फ्यूचर के लिए आप कोई ना कोई इंसिडेंट होगा तब यूज करोगे अदरवाइज वो आपके लिए हेल्प कर रहे हैं कि कोई भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रुकेगा तो दैट इज कॉल्ड पैसिव पैसिव यूज यूज अगर की बातें हैं तो हम उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है एडिशनल एडिशनल डेप्रिसिएशन एडिशन डेप्रीसिएशन एडिशनलिए्वेंटी परसेंट लगता है ठीक है ट्वेंटी परसेंट मिलता है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ठीक है फर्स्ट ईयर ट्वेंटी परसेंट नहीं मिलता है फिर आगे नहीं मिलता है. हाँ अगर वन एटी डेज से कम यूज किया है एसेट तो फिर टेन परसेंट अभी मिलता है और टेन परसेंट नेक्स्ट ईयर मिल जाता है पहले वो थर्टी फाइव परसेंट भी होता था, था कुछ बैकवर्ड एरियाज के लिए वो खत्म हो गया नाउ इट इज ओनली ट्वेंटी परसेंट ठीक है अगर 180 एटी डेज से कम हुआ है तो 10 परसेंट इस साल 10 परसेंट नेक्स्ट ईयर हो जाएगा बट एडिशनल अप्रेशन किसके ऊपर मिलता है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सिर्फ प्लांट मशीनरी के ऊपर कुछ और दूसरी कंडीशंस भी हैं नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए सेकेंड हैंड ना हो अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करें मतलब ये आपकी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करें अपने ऑफिस वगैरह में इंस्टॉल ना करें व्हीकल्स शिप्स एयरक्राफ्ट नहीं होने चाहिए जिस किसी के ऊपर हंड्रेड रिडक्शन मिल जाती है फर्स्ट ईयर में

फॉर्मेट अच्छा, है, तो uh, है अगर ये प्लांट मशीनरी का ब्लॉक है फिफ्टीन परसेंट वाला तो उसके लिए भी अपना फॉर्मेट बनेगा फॉर्मेट सेम रहता है तो ये ब्लॉक वाइज आपको फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक कॉलम इसके लिए एक कॉलम दूसरे के लिए बना सकते हैं आप बट फॉर्मेट क्या रहता है हर ब्लॉक का ब्लॉक की ओपनिंग डब्ल्यू डीवी कितनी थी क्या आपने इस ब्लॉक में कुछ एडिशन किया है कि आपने कोई नया मशीन या नया असेट इस ब्लॉक में ऐड किया है तो अगर आपने ऐड किया तो आपकी ब्लॉक की वैल्यू बढ़ जाती है अगर आपने इसमें किसका में से कोई भी मशीन या कोई भी असेट बेच दिया है ठीक है डिस्पोज कर दिया है तो उसको माइनस कीजिए जितने भी पैसे मिले आपको बेचकर तो आपके पास एंड में आ जाता है कि डब्ल्यू एट द एंड कितनी है एक बार दोबारा से रिपीट करूं ओपनिंग डब्ल्यू कितनी थी सिंपल ओपनिंग साल के शुरू में कितना था कितना आपने कुछ नया सेट एक्वायर करा है उसकी वैल्यू एड करेंगे ठीक है कुछ आपने अगर बेच दिया है इसमें से उसको माइनस कीजिए डब्ल्यू डी वी एट द एंड आ जाएगा आपके पास ठीक है इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं ठीक है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते, लगाते हैं पहले इसमें देखते हैं जब आप इसके ऊपर सीधा सीधा ऐसे नहीं कि बिल्डिंग है तो टेन परसेंट लगा दीजिएगा इसके ऊपर सीधा या प्लांट मशीनरी है तो फिफ्टीन परसेंट सीधा लगा दीजिएगा आप इसमें से देखिएगा क्या कोई नया असेट है इसके अंदर ठीक है अगर कोई नया असेट है तो आप फिर ये पूछेगा क्या वो वन एट्टी डेज से कम यूज हुआ है क्या क्योंकि अगर वो उसके अंदर कोई नया असेट है और वो वन डेज से कम यूज हुआ है तो उसके ऊपर हाफ डेप्रिसिएशन लगता है ठीक है बट अगर वो वन डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो फुल लगेगा और जो ओपनिंग वाला आ रहा है तो उसके ऊपर तो फुल लगेगा ही ठीक है तो आप इसके ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो डब्ल्यू डी वी एट द एंड आ रही है तो इसमें कोई क्या नया अ है जो 180 डेज से कम यूज हुआ है उसके ऊपर हाफ लगाइएगा या फिर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सेट है जो यूज ही नहीं हुआ है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप नहीं लगाएंगे ये बात मैंने यहां पर भी दी है कि हाफ डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं आप किसी भी एसेट के ऊपर जो सेम ईयर में एक्वायर हुआ हो सेम ईयर में एक्वायर हुआ हो और 180 डेज से कम यूज हुआ हो सर अगर 180 डेज से यूज कम यूज हुआ है बट एक्वायर वो दो साल पहले हुआ था एक साल पहले हुआ था ठीक है इस साल नहीं हुआ था पहले हुआ था फुल डेप्रिसिएशन लगेगा उस केस में ठीक है हाफ की कंडीशन क्या है ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए दोनों प्लस लगावेस यहां पर लगा सकता हूं मैं ठीक है सेम ईयर में एक्वायर हुआ हो यूज हुआ डेज से कम तो हाउ डिप्रीन लगता है डिप्रीसिएशन कब नहीं लगता है ठीक है डेप्रीसिएशन कब नहीं लगता है फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्लॉक की वैल्यू जीरो हो गई आपका ब्लॉक की वैल्यू निल हो गई क्यों निल हो गई फॉर एक्जाम्पल ओपनिंग वैल्यू थी दस लाख एक्वायर कुछ नहीं किया और आपने ब्लॉक में से कुछ भी चीज बेच दी दस लाख की ही माइनस टेन लाख की तो आपकी प्लीज बताइए ब्लॉक की एंड की वैल्यू कितनी होगी निल तो क्या आप इसके ऊपर डेप्रेशन लगा पाओगे आंसर इज नो अगर आपकी ब्लॉक ही निल हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव मतलब नेगेटिव मतलब लिखते नहीं बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ नेगेटिव कैसे होता है फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग वैल्यू दस लाख थी एडिशन आपने कुछ नहीं किया और आपने इसमें से कोई एक पार्ट बेच दिया ब्लॉक का या पूरा ही ब्लॉक बेच दिया लेट से ग्यारह लाख का ठीक है ऑल दो हम यहाँ पे मैक्सिमम दस ही लिखते हैं बट सिर्फ मैं आपको नेगेटिव समझा रहा हूँ इस तरीके से ठीक है अगर फॉर एग्जाम्पल ग्यारह लाख का आपने बेच दिया तो आपको आप

ठीक इंस्टॉल भी नहीं किया आपने इसको और अगर आपने पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया फॉर एग्जाम्पल दस लाख ओपनिंग वैल्यू थी इस साल एक्वायर तो कुछ नहीं किया पर पूरा ब्लॉक बेच दिया पूरा ब्लॉक ही बेच दिया पूरा के पूरे एसेट्स बेच दिए फॉर एक्साम्पल सिक्स लाख रूपीज के आपके पास वैल्यू क्या बची चार लाख प्लीज बताइए क्या ये ब्लॉक की वैल्यू है चार लाख था आंसर इज नो हम क्या लिखते हैं सर पूरा ब्लॉक बेच दिया आंसर इज नल ठीक है सर टेन माइनस सिक्स इज नल हाँ जी नल मैथमेटिक्स नहीं है ठीक है लॉजिकली समझो पूरा का पूरा ब्लॉक ही बेच दिया आपने तो उस केस में डेप्रिसिएशन नहीं नहीं लगाते और उस केस में तो आपका आपको पता है सेक्शन फिर रोल प्ले करता है हमारा कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आता है उस केस में तो ठीक है तो अगर पूरा का पूरा ब्लॉक बेच दिया है तो भी आप यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं क्लियर हो गया पावर जनरेटिंग यूनिट के बारे में बातें कर लें ये लोग एसएलएम मेथड फॉलो करेंगे ये लोग एसएलएम मेथड फॉलो करेंगे बाय डिफॉल्ट इनको एसएलएम मिलेगा ठीक है अगर ये कोई भी चूज नहीं करेंगे तो इनको एस एल एम मैथड मिलेगा बट इनकेस अगर ये फर्स्ट ईयर चूज करते हैं नहीं सर वहां हमें तो फिर इनको पूरा लाइफ टाइम अपने मेथड मेथड ही यूज करना पड़ेगा ठीक है जनरली और अगर ये अपना कोई भी इन्होंने एसेट खरीदा उसके ऊपर एस एल एम मैथड यूज कर रहे थे और बाद में इन्होंने ये एसेट एक साल के बाद या दो साल के बाद बेच दिया तो क्या होता है ठीक है तो फिर हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसिस निकलते हैं जो मैं जनरली नंबर लाइन से समझाता हूं तो कुछ मैंने नंबर लाइन यहाँ पर भी बनाई है सर ये नंबर लाइन है क्या हाँ है मैं समझा जो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझसे क्लास कर चुके हैं उनको तो मैं बनाकर दिखाता था बट अगर कोई स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे बनती है फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक दिस इज अ पावर जनरेटिंग यूनिट ये इस एग्जाम्पल को या फिर इस पर्टिकुलर नंबर लाइन को अच्छे से समझिएगा बिकॉज ये आगे काफ़ी यूज होने वाली है मैं इसको कुछ और सेक्शन में भी यूज करूंगा तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझिएगा सो लेट से दैट देयर इज अ पावर जनरेटिंग बिजनेस पावर जनरेटिंग बिजनेस और इन्होंने एक मशीन परचेज की है आई टेल यू फोर रूपीज टेन लाख ठीक है दे हैव परचेज अ मशीन ऑफ रुपीज टेन लाख और ये डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं इसके ऊपर ऑन एस एल एम बेसिस लेट्स आई टेक एन एग्जाम्पल टेन परसेंट पर एन एम स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल वैल्यू पर लगता है तो आई कैन दैट अमाउंट इज लाख ईच ईयर ठीक है फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर पावर जनरेटिंग बिजनेस है ये और मशीन uh, है टेन लाख रुपीज की डेप्रिसिएशन है वन लाख रुपीज पर ईयर का और लेट से इसको ऑलरेडी ना तीन साल हो चुके हैं तीन साल इसको हो चुके हैं तो प्लीज बताइए इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इस समय वैल्यू कितनी होगी बुक्स में हमारे पास इस समय वैल्यू होगी तीन लाख वन लाख वन लाख थ्री लाख का डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुआ होगा तो राइट नाउ इट्स वैल्यू इज सेवन लाख इन आर बुक्स ठीक है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी कुछ नॉर्मल फैक्ट्स पूछ लू आपसे ओरिजिनल वैल्यू इसकी ओरिजिनल कॉस्ट वॉज टेन लाख ठीक है डेप्रिसिएशन वन लाख वन लाख वन लाख तीन साल में चार्ज हो चुका है मैं मान लेते हैं ये फोर्थ ईयर चल रहा है अभी ठीक है और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इज़ आई एम नॉट सिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं बोल रहा हूँ मैं डेप्रीसीन का मेथड तो ऐसेल था बट रिटर्न डाउन वैल्यू ठीक है रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए सर किसी भी मैथड से वो कैलकुलेट किया गया हो औरजिनल कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन जब माइनस कर देते हैं तो वी अंडरस्टैंड वी कॉट वी हैव वी विल गेट रिटर्न डाउन वैल्यू ठीक so ठीक है है मैं इसको ना एक number line पर ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं ऐसे कह सकता हूं नंबर लाइन सबको पता है क्या ना एक लाइन ड्रॉ करते थे मैथ्स में सर मैथ्स तो नहीं थी हमारे पास अरे नॉर्मल सिक्स में तो होगी ना नंबर लाइन तो सिक्स सेवंथ में ही सीख लेते हैं हम लोग एक तरफ नंबर्स बढ़ते हैं सर सिक्स में तो भूल गए होंगे अरे कोई बात नहीं बहुत सिंपल सी बातें कर रहा हूं मैं एक तरफ नंबर बढ़ते हैं नंबर लाइन पर एक तरफ नंबर कम होते हैं तो लेट से यहां पर अगर आप आगे जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे पीछे जाएंगे तो नंबर कम होते चले जाएंगे तो सबसे पहले मुझे बताइए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी लेट से यहां पर मैं इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ले लेता हूं तो इनकी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी टेन लाख ठीक है अगर आप आगे आगे जाएंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे ठीक है पीछे पीछे जाएंगे तो नंबर्स कम होंगे ठीक है नंबर लाइन की भी चिंता मत मत आप इसको नंबर लाइन भी बोलिए तो बिल्कुल सिंपल सी बात है मैंने एक लाइन ड्रॉ करी आगे नंबर बढ़ेंगे पीछे नंबर कम होंगे इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है सेवन लाख ,00 मुझे बताइए सेवन लाख इस लाइन पर मैं कहां पर प्लॉट करूं कहां पर लिखू सेवन लाख रुपीज ठीक है आगे की तरफ या थोड़ा पीछे की तरफ सर पीछे की तरफ लिखिएगा क्योंकि आपने कहा यहां पे नंबर कम होते हैं पक्का देखो कितनी आसान बातें मैं समझा रहा हूं आपको तो लेट से यहां पर मैंने सेवन लाख रुपीज लिख दिया दिस इज सेवन लाख दिस इज रिटर्न डाउन वैल्यू ठीक है बुक्स में अभी कितनी वैल्यू है इसकी सेवन लाख रुपीज प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर आप इसको सेल कर देते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर असेट को बेच देते हैं सेल कर देते हैं एट लाख रुपीज का एट लाख रुपीज का अगर आप बेच दें ठीक है तीन साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर असेट को दोबारा से फैक्ट्स रिपीट कर रहा हूं प्लीज बहुत प्रैक्टिकली इसको समझिएगा दिमाग में थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए एक पावर जनरेटिंग यूनिट है एक बिजली बनाने वाली कंपनी है ठीक है एंड दे हैव परचेज अ मशीन है दस लाख की इन्होंने मशीन खरीदी थी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते थे डेप्रिसिएशन का एवरी ईयर वन लाख वन लाख वन लाख स्ट्रेट लाइन में सेम रहता है डेप्रिसिएशन वन लाख वन लाख वन लाख वन लाख चार्ज करते हैं तीन साल हो चुके हैं पूरे ठीक है नाउ द वैल्यू इज सेवन लाख फोर्थ ईयर चल रहा है इस साल के एंड में फिर हम डेप्रीसिएशन लगा देंगे एक लाख का और फिर ये छह लाख की हो जाएगी फिर पांच लाख की हो जाएगी बट हमने फोर्थ ईयर में इसको बेच दिया ठीक है हम लोग बातें कर रहे हैं सेल ऑफ ए जिसके ऊपर हम एस एल एम बेसिस लगाते थे तो उसका सेल करने पर क्या टैक्स इंप्लीकेशन आती है आई होप यू आर गेटिंग दिस ठीक है तो हमें पता चला कि अगर आठ लाख का बेसिस करिए तो फायदा हो गया सेवन लाख की वैल्यू थी एक लाख का फायदा हो गया आप एंट्री के पास करते हो अकाउंट्स में बैंक अकाउंट डेबिट एट लाख टू मशीन सेवन टू पी एन एल वन लाख टू पी एन एल मतलब टू पी एन एल एल क्रेडिट हो गया फायदा हो गया आपको यही बातें मुझे समझानी है कि अगर आप इसको सात लाख से ऊपर बेच देते हैं ये सब प्रॉफिट का एरिया है सात लाख से ऊपर बेच देंगे सब प्रॉफिट है सात लाख से नीचे का जाएगा तो ये लॉस हो जाता है आपको बस मुझे इतनी सी बातें बतानी थी और आई नो कि आपको ये बातें पता होंगी थोड़ा सा मैंने इसको फॉर्मेट दूसरा कर दिया बताने का बट बातें तो वही है ना तो प्लीज बताइए अगर मैंने इसको एट लाख रुपीज का बेच दिया सर एक लाख का फायदा हो गया अगर मैंने इसको नाइन लाख का बेच दिया दो लाख का फायदा हो गया मैंने इसको दस लाख का बेच दिया सर तीन लाख का फायदा हो गया मैंने इसको ग्यारह लाख का बेच दिया ठीक है ग्यारह लाख यहां पर बेच दिया सर चार लाख का फायदा हो गया तो मैं आपको बता देता हूं कि इन केस अगर मैं इसको सेल कर देता हूं सेवन लाख ,00 से ऊपर तो ये फायदा हो रहा है दस लाख ,00 तक फायदा यानी कि तीन लाख ,00 तक ये हमारी पीजीबीपी की इनकम होती है अंडर सेक्शन फोर्टी वन डीम्ड बिजनेस इनकम देखो फोर्टी वन में फर्स्ट टाइम यहां पर चार्टर रिविजन में रेफर कर रहा हूं सेक्शन फोर्टी वन डीम्ड बिजनेस इनकम डीम्ड बिजनेस इनकम आपकी ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी मुझे बताओ हमारा बिजनेस क्या है हमारा बिजनेस क्या है पावर जनरेट करने का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमाते होंगे इलेक्ट्रिसिटी बेच के पैसे कमाते होंगे दैट इज आर बिजनेस यहां पर क्या बेच रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अब मशीन तो हेयर यू हैव सोल्ड योर मशीन बट फिर भी ये बिजनेस इनकम मानी जाती है मानी जाती है दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज डीम्ड बिजनेस इनकम डीम बिजनेस इनकम हो जाती है सेवन लाख रुपीज से यहां तक हमारी बिजनेस इनकम हो जाएगी और रीजन में मैं बता देता हूं ठीक है ऑल दो रेगुलर क्लास नहीं चल रही है बट फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में रिटेन तभी रहती हैं जब वो समझ में आनी हो ऑल दो वी आर डूइंग क्विक रिविजन आई अंडरस्टैंड बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स ने अगर यह पहले का मिस किया था यह पॉइंट तो प्लीज मुझे बताइए आपने अभी तक पी अकाउंट से कितना चार्ज किया होगा सर एक लाख का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर एक लाख का डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर एक लाख का डेप्रेशन थर्ड ईयर तो आपने अपने बिजनेस एक्सपेंस अभी तक कितने माने हैं तीन लाख आज आपको फायदा हो गया तो ये कौन सी इनकम जाएगी बिजनेस की इनकम जाएगी बट अगर टेन लाख से भी ऊपर का बेच देते हैं टेन लाख से भी ऊपर का ओवर एंड अबव टेन लाख बेच देते हैं इतना तो सर हमने पीएनएल से चार्ज भी नहीं किया था आप ओवर एंड अबव बेच देते हैं तो दैट इज नॉट योर रेवेन्यू इनकम दैट इज इनफैक्ट योर कैपिटल इनकम उसको हम कैपिटल रिसिट बोलते हैं

बट अगर डब्ल्यू से लेकर ओरिजिनल कॉस्ट तक इतना एरिया ये आपका पीजीबीपी का एरिया है ये आपका बिजनेस इनकम होती है ये आपकी और अगर ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर बेच देते हैं तो ये आपका होता है कैपिटल गेन तो यहां पर हमारे पास कैपिटल गेन आता है और ये कैपिटल गेन का मैं आपको सेक्शन भी बता देता हूं फिफ्टी ए में पढ़ते हैं ऐसे कैपिटल गेन ठीक है ये आपका कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है इसकी लाइफ पर यह कितनी है दो साल Uh, दो साल तीन साल एक साल वटेवर द केस में भी तो जनरली इसके लिए फॉर एग्जाम्पल तीन साल अगर मैं ले लेता हूँ तीन साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है तो दस लाख से ऊपर जितना भी बेचते हैं वो आपका कैपिटल गेन में कंपटीशन होती है बट सेवन लाख से टेन लाख तक हमारा पीजीबीपी इनकम होती है ठीक है मैं आपको एक और चीज बता दूं जिससे कि आपको ये याद रहे फॉर एग्जांपल एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं लेट्स से देयर इज अ बकेट एक बाल्टी है देर इज अ बकेट एंड दिस बकेट इज फुल ऑफ वॉटर ठीक है दिस बकेट इज फुल ऑफ वॉटर मुझे बताइए अगर इस बकेट से आप तीन मग्स पानी बाहर निकाल देंगे तीन डिब्बे पानी बाहर निकाल देंगे ठीक है इफ यू टेक थ्री मग्स ऑफ वॉटर आउट फ्रॉम दिस बकेट ठीक है तो ये बकेट कितनी कम हो गई तीन मग्स कम हो गई अब इसमें अगर वापस प्रॉफिट डालना अगर सॉरी प्रॉफिट नहीं वापस वॉटर डालना हो तो कितना डाल डाल सकता है तीन तीन मग सकता है अगर तीन मग से ओवर एंड अबाउट डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा बॉस तो प्लीज प्लीज बताइए फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको ग्यारह लाख का बेच दिया अब आपने इस बकेट से दिस बकेट इज नथिंग बट योर पीन अकाउंट ठीक है आपका रेवेन्यू ये इनकम का स्टेटमेंट था for example, यहां से लाख एक लाख एक एक तीन लाख निकाला कितना सिर्फ तीन लाख इनकम हो जाए प्रॉफिट हो जाएगा तो ये ओवरफ्लो हो जाएगी बकेट सो यू कैनॉट पुट इट इन पी एन एल अकाउंट दिस इज नॉट योर पीजीबीपी दिस विल गो इन योर कैपिटल गेन ठीक है सबको आई बिलीव समझ में आ गया होगा सात लाख से ऊपर बेचोगे यहां तक पीजीबीपी की इनकम ठीक है डिस्काउंट डीन बिजनेस इनकम भी, भी कहते हैं फोर्टी वन में और मैं आपको बता दूं पावर जनरेटिंग में इसका एक स्पेशल नाम भी होता है ठीक है याद आ गया होगा आपको बैलेंसिंग चार्ज और अगर दस लाख से ऊपर बिकेगा तो ये आपका कैपिटल गेन होता है ठीक है सर अगर सात लाख से नीचे बिक जाए मुझे बताइए सात लाख से नीचे अगर बिक जाए तो ये प्रॉफिट है या लॉस है दिस इज योर लॉस ये पीजीबीपी में फिर अलाउड होता है ठीक है तो अगर फॉर एक्जाम्पल इसको हम क्या कहते हैं टर्मिनल डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 में ही ये अलाउ होता है दिस इज कंसिडर एज अ पीजीपी लॉस बोलें पीजीपी एक्सपेंस बोलें सात लाख से कम का बिका तो ये एक्सपेंस तो दिस इज योर नंबर लाइन ठीक है सिंपल से दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूँ ओरिजिनल कॉस्ट लिखिए यहां पर इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लिखिए कि इसकी बुक्स में कितनी वैल्यू चल रही होगी अभी अगर ये डब्ल्यू डीवी से ऊपर बिकता है तो प्रॉफिट है आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर ये डब्ल्यू डीवी से भी नीचे बिकता है तो ये आपका एक्सपेंस हो गया लॉस हो गया आपका ठीक है हम आपको ये अलाउ भी करा देते हैं खर्चा आपका तो सेवन लाख ,00 से ऊपर बिका तो देखिए कितने है का कबिका सेवन लाख ,00 से ऊपर बिका सर बट ओरिजिनल कॉस्ट से नीचे नीचे बिका तो इतना पोर्शन जितना भी बिका फॉर एक्जाम्पल ये नाइन लाख ,00 का बिका सेवन लाख ,00 से नाइन लाख तक कितना दो लाख ,00 का फायदा हो गया दैट इज योर बिजनेस इनकम पीजीबीपी फोर्टी वन में एग्जाम्पल ये दस लाख का बिका तो दस तीन लाख का पीजीबीपी फॉर एग्जाम्पल ये ग्यारह लाख का बिका तो सेवन लाख से दस लाख तक तीन लाख तो पीजीबीपी और टेन लाख से ऊपर जितना भी आएगा वो कैपिटल गेन और कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे सर एक लाख हो जाएगा डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन भी होगी फिर दस लाख की ठीक है और सेवन लाख से अगर नीचे बिका तो ये आपका पीजीबीपी का एक्सपेंस मान लिया जाएगा दिस इज योर नंबर लाइन ठीक है अगर आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं वैसे मैंने आपको चार्ट में भी दिया भी दिया है. है. ठीक like, right और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं स्क्रीन नाउ जिसको पॉज करना था पॉज कर लीजिएगा ओके okay. अब देखिए यहां पर मैंने वो सुंदर सी नंबर लाइन भी बनाई है ओरिजिनल कॉस्ट ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी यह आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी ठीक है पीछे बनाएंगे ना रिटर्न डाउन वैल्यू नंबर कम होते हैं हाँ पर पर नंबर बढ़ते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आपने रिटर्न डाउन वैल्यू से ऊपर का बेका ये ग्रीन वाला एरिया में बेका तो दिस इज योर इनकम मेंशन फोर्टी वन और फोर्टी वन में और सिर्फ पावर जनरेटिंग बिजनेस में जब पावर जनरेटिंग का वाला सेट बेचा हो तभी यह नाम देना बैलेंसिंग चार्ज ऐसे नहीं कि फोर्टी वन इज ऑलवेज बैलेंसिंग चार्ज नो फोर्टी वन में और भी बातें आती हैं ठीक है साइंटिफिक रिसर्च का भी एसेट बिकता है बाकी एसेट्स भी बिकते हैं ठीक है बट ये फोर्टी वन ये वाली बातें सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग चार्ज वाला वर्ड दिस इज योर बिजनेस इनकम बट ये पावर जनरेटिंग में ही यूज होते हैं बैलेंसिंग चार्ज अगर रिटर्न ऑन वैल्यू से भी कम का बिका देखो रेड में गया है ये लॉस हो गया ठीक है तो लॉस हो गया इसको हम पीजी लॉस मान लेते हैं और इसको अलाउ भी कर देते हैं अंडर सेक्शन थर्टी टू आज टर्मिनल डेप्रिसिएशन और अगर आपने ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर का बेचा दैट इज योर कैपिटल गेन ठीक है वो सेक्शन 50 ए में हम कैपिटल गेन मानते हैं जितने का बेचा माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ठीक है और अगर इसका लॉन्ग टर्म है तो इसका इंडेक्सेशन भी होता है ओरिजिनल कॉस्ट का इंडेक्सेशन भी आप कर देंगे सब लोग समझ गए सो दिस वॉज अबाउट डेप्रीसिएशन तो ये हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया है एक बार जल्दी से रिकैप करें ट्वेंटी

थर्टी टू इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन एडिशनल भी पढ़ लिया हमने और डेप्रिसिएशन हाफ कब लगाते हैं फुल कब लगाते हैं कब डेप्रिशियन नहीं लगाते हैं और पावर जनरेटिंग के बारे में भी पढ़ लिया ओके कमिंग टू आर नेक्स्ट पेज इसके बाद अब ये मैं कुछ तीन सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ छोटे छोटे सेक्शंस हैं ये थर्टी थ्री ए बी थर्टी थ्री ए बी ए और थर्टी फाइव ए डबल बी ये तीनों ही सेक्शंस सी एम ए और सी एस स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे सी ए इंटर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है तो सी ए इंटर के स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा आगे इसको फॉरवर्ड कर लीजिए अपनी इस वीडियो को और थर्टी फाइव फिर शुरू करिएगा अभी फ़िलहाल मुझे ये तीन सेक्शन डिस्कस करने हैं ओनली फॉर माई सी एम ए इंटर स्टूडेंट्स एंड सी एस स्टूडेंट्स ठीक है सेक्शन थर्टी थ्री ए बी होता है नॉट फॉर सी एंट्री सी एंट्री के कोर्स में नहीं है ठीक है अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा ठीक है बहुत छोटे छोटे सेक्शन है वैसे भी टी कॉफी एंड रबर टीसीआर अकाउंट हम कहते हैं टी कॉफी एंड रबर बिजनेस तो ये लोग जो लोग इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ टी कॉफी एंड रबर तो इन लोगों के लिए एक डिडक्शन मिलती है कितनी डिडक्शन इनको मिलती है बस सिर्फ आपको इतना याद कर रखना है जितना भी इनका प्रॉफिट आते हैं इस बिजनेस से उसका फोर्टी परसेंट तक या फिर जितना ये अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं एज पर द स्कीम फ्रेम्ड बाई टी सी आर बोर्ड ठीक है तो टीसीआर बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर ये डिपॉजिट कराते हैं विच एवर इज लोअर तो कितनी इनको डिडक्शन मिलेगी सिर्फ आपको याद रखिएगा फोर्टी परसेंट ऑफ प्रॉफिट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सी एम ए स्टूडेंट्स सी एस स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होते नहीं है मतलब ऐसे नहीं कि एग्जाम में नहीं आते बहुत रेयरली देखा गया है कि इनको आते हुए बट स्टिल हाँ एमसीक्यू में तो आ सकते हैं तो प्लीज़ आपको ये बात याद रखनी है यहां पर हमें डिडक्शन मिलती है हमारे प्रॉफिट्स का 40 परसेंट या जितना अमाउंट डिपॉजिट इन टीसीआर अकाउंट सी एवर इज लोअर और बिल्कुल इस, इसी तरीके से 33 साइट साइट रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन फंड फंड जिन लोगों का बिजनेस होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन का नेचुरल गैस ठीक है एक्सट्रेक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन लोगों का बिजनेस होता है तो इन लोगों के लिए भी साइट रिस्टोरेशन फंड इनको क्रिएट करना पड़ता है क्या मतलब होता है साइट रिस्टोरेशन का ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में ये पर्टिकुलर कोई एरिया है यहाँ से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट का होता है गवर्नमेंट इनको लीज पर दे देती है ठीक है ऐसे बिजनेस को कि आप यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो फिर ये यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते होंगे इस पर्टिकुलर एरिया पे ठीक है बहुत ज़्यादा इसको एक्सट्रैक्ट करते होंगे खुदाई करते होंगे बट गवर्नमेंट ये कहती है कि आप इस आपको इस साइट को रिस्टोर करके वापस देना पड़ेगा जब भी आप साल के बाद दस साल के बाद हमें इसको 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 वापस वापस करेंगे तो प्लीज रिस्टोर करके इसको एक ठीक ठाक लेवल पर ला दीजिएगा तो उसके लिए इनको वापस जब ये रिस्टोर करेंगे इसको ठीक है इसको ठीक ठाक शेप में वापस करके देंगे गवर्नमेंट को तो उसके लिए इनका खर्चा भी आएगा तो गवर्नमेंट कहती है कि आप उसके लिए एक फंड बना लीजिए अलग से तो इन लोगों को क्योंकि रिस्टोरेशन का इनका खर्चा भी होगा तो इनको डिडक्शन कितनी मिलती है जितना भी इनके प्रॉफिट्स आते हैं उसका ट्वेंटी परसेंट जितना ये अमाउंट डिपॉजिट करते हैं इन स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट लोअर ठीक है याद रखिएगा टीसीआर में है फोर्टी परसेंट और यहां पर है ट्वेंटी परसेंट ठीक है एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं बातें दोनों और थर्टी फाइव ए डबल बी थर्टी फाइव ए डबल बी टेलीकॉम लाइसेंस का होता है और थर्टी फाइव ए बी ए दोनों सेम सेक्शंस है ए डबल बी और ए बी ए सारे प्रोविजन बिल्कुल सेम है ठीक है दिस इज फॉर टेलीकॉम लाइसेंस दिस इज फॉर स्पेक्ट्रम फीस ठीक है जो लोग टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उन लोगों के लिए सेक्शन है बिकॉज इन लोगों को टेलीकॉम लाइसेंस खरीदना पड़ता है ट्राई से टेल, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से टेलीकॉम लाइसेंस खरीदना पड़ता है ठीक है ये अगले पाँच साल के लिए दस साल के लिए पंद्रह साल के लिए इनको मिलता है और अच्छा खासा अमाउंट इनको पे करना पड़ता है तो बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर इन लोगों ने लेट से पांच करोड़ दिए ट्राई को एक टेलीकॉम लाइसेंस खरीदने के लिए और फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइफ दस साल है तो इनका पांच करोड़ का खर्चा हुआ तो यहां पर इनकम टैक्स ये कहते हैं कि हम आपका जो पांच करोड़ का खर्चा हुआ है टेलीकॉम लाइसेंस के लिए उसको उसको आप इस लाइसेंस की लाइफ पर स्प्रेड कीजिए और आप हर साल इतनी डिडक्शन ले सकते हो तो हम क्या करते हैं जितनी भी कॉस्ट ऑफ लाइसेंस है उसको अमोटाइज कर देते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस तो बिल्कुल ठीक है इस, इसी तरीके से जैसे कि हम लोग पावर जनरेटिंग यूनिट जैसे एस ले रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटा सा अमाउंट ले लेता हूं फ्लैट से पचास लाख है 50 लाख का हमने टेलीकॉम लाइसेंस के लिए पैसा खर्च किया 10 साल इसकी लेट से लाइफ थी तो हर साल हमें 5 लाख 5 लाख 5 लाख तक की रिडक्शन मिलती रहती है ठीक है और ये डिडक्शन तभी मिलती है जब आपने एक्चुअली टेलीकॉम लाइसेंस के पैसे पे किए हो अगर आपने पे नहीं किए हैं तो अभी डिडक्शन मिलनी शुरू नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल आपने दस साल की लाइफ थी बट आपने सेकंड ईयर पैसा पे किया फॉर एग्जाम्पल सेकंड ईयर पे किया तो आपको डिडक्शन फर्स्ट ईयर मिल पाएगी क्या नहीं बिकॉज यू हैव नॉट पेड द अमाउंट तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगी फिर सेकेंड ईयर से और सेकंड ईयर से रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है नाइन ईयर तो जितना भी आपने पे किया उसको प्लीज डिवाइड बाय नाइन खींचेगा सेकेंड ईयर से आपको डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है और ये ट्रांसफरेबल होते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी ने लेट से वी वाई ने वोडाफोन एंड आइडिया वालों ने कोई टेलीकॉम लाइसेंस परचेज किया ठीक है दस साल उसकी लाइफ थी बट फॉर एग्जांपल लेट से उन्होंने ये लाइसेंस किसी और को बेच दिया किसी दूसरी कंपनी को इन्होंने ये बेच दिया है तो इनका जो भी फायदा होगा या नुकसान होगा तो उसके ऊपर टैक्स इंप्लीकेशन भी आती हैं और बिल्कुल उसी तरीके से आती हैं जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था नंबर लाइन तो लेट से ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट है So, ये फॉर एग्जाम्पल इनकी ओरिजिनल कॉस्ट है इनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी लाइसेंस की लेट से पचास लाख का लाइसेंस था आ, तीन साल ले, ले लेता हूं मैं पांच लाख पांच लाख पांच लाख तीन साल मतलब तीन साल इसको हो चुके हैं पांच लाख पांच लाख पांच लाख का आप डिडक्शन ले रहे थे तो अभी इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी होगी थर्टी फाइव लाख पक्का फिफ्टी लाख ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न ऑन वैल्यू थर्टी फाइव लाख अगर आपने इसको बेच दिया थर्टी फाइव लाख रुपीज से ज्यादा का थर्टी फाइव लाख से फिफ्टी लाख तक का बेचा गया दिस इज योर बिजनेस इनकम फिफ्टी लाख से भी ऊपर का बेचा गया तो आपका कैपिटल गेन आएगा थर्टी फाइव लाख से कम का बेचा गया तो ये आपका बिजनेस लॉस हो गया उसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक साथ हम लोग इसको ट्रीट कर लेंगे अंडर सेक्शन थर्टी फाइव ए डबल बी में आपको डिडक्शन मिल जाएगी जैसे वहां पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन की थर्टी टू में मिली थी यहाँ पे थर्टी फाइव ए डबल बी में बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सेम ट्रीटमेंट होता है स्पेक्ट्रम फीस का भी जब आप पैसे देते हैं ट्राइको फॉर परचेजिंग स्पेक्ट्रम फीस तो इसको भी आप लाइफ में स्प्रेड कर देते हैं ठीक है सो वर द सेक्शन आई आई हैव टू टू डिस्कस नाउ एम कमिंग अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन थर्टी फाइव अब ये थर्टी फाइव सभी स्टूडेंट्स के लिए है इंक्लूडिंग सी ए इंटर थर्टी फाइव बी जैसे आपको थर्टी टू याद रहता है काफी हद तक डेप्रिसिएशन का होता है इसी तरीके से आपको 35 भी काफी अच्छे से याद रहता है साइंटिफिक रिसर्च का होता है अगर कोई बिजनेस है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंस कर रहा है तो उसको 35 में डिडक्शन मिलती है अब दो तरह से वो एक्सपेंस कर सकते हैं या तो वो अपने बिजनेस के लिए के लिए ही एक्सपेंस करता है और बिजनेस में ही ये खर्चा कराता है उनके पास एक आर एंड डी यूनिट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है ठीक है वहां पर वो लोग इस तरह की रिसर्च करते हैं और ये अपना एक्सपेंस करते हैं इट कैन बी रेवेन्यू येो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे साइंटिफिक रिसर्च है हमारे पास लेबोरेटरी है तो हमें वहाँ के लिए बिल्डिंग बनवानी है या फिर वहाँ के लिए मशीन्स खरीदनी है कंप्यूटर्स लेने दैट इज योर कैप दैट इज योर केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में केपेक्स बोलते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर केपैक्स ठीक है तो इट कुड बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर के इट कुड बी योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैसे कि आपको साइंटिफिक रिसर्च के लिए वहां पर जो आपके इंप्लाइज हैं साइंटिस्ट हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है ठीक है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो रहे होंगे आपको कुछ मटेरियल यूज करना पड़ता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो दीज आर डे टू डे रेवेन्यू एक्सपेंसेस यहां पर बोला गया है कि जो एक्सपेंस आप अपने बिजनेस के लिए खर्च करते हो बिजनेस में आपकी एक आर एन यूनिट है और आप यहां पर एक्सपेंस करते हो दैट इज कॉल्ड इन हाउस रिसर्च इन हाउस रिसर्च मतलब आप अपने बिजनेस में ही ये खर्चा कर रहे हो आपके बिजनेस में ही कोई आर एन यूनिट है आप ये खर्चा कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेंस अलाउड है बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस आपके बिजनेस रिलेटेड ऐसा नहीं कि आप किसी और के लिए खर्चा कर रहे हो नो इट शुड बी रिलेटेड टू योर बिजनेस तो अगर इन हाउस रिसर्च कर रहे हो तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस और इसके ऊपर हंड्रेड परिडक्शन अलाउड होती है चाहे आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस करें या कैपिटल एक्सपेंडिचर करें तो लेट से फॉर एक्साम्पल अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा है फॉर माई साइंटिफिक रिसर्च पर्पज तो क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा अंडर सेक्शन थर्टी क्या उसके ऊपर थर्टी टू में फोर्टी परसेंट बिकॉज दैट पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन फॉर माय साइंटिफिक रिसर्च पर्पस तो उसके ऊपर हम डिडक्शन ले लेते हैं और कितनी डिडक्शन मिलती है हंड्रेड परसेंट तो हमें हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाती है अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस की भी या कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बट ऑब्वियसली आपको पता है लैंड के ऊपर तो कोई डिडक्शन मिलती नहीं है ठीक है बिल्डिंग के ऊपर मिल जाएगी कि हाँ जी बिल्डिंग के ऊपर मिल जाएगी लैंड के ऊपर नहीं मिलेगी हंड्रेड परसेंट मिल जाएगी सर अगर हमारे अभी हमने बिजनेस कमेंस नहीं कराया बट बिजनेस कमेंसमेंट से पहले ही कुछ साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खर्चा हुआ जो जनरली होता है प्रैक्टिकली आप सोचिए

तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही बहुत खर्चा करते हैं आप डिपेंड करता है कि वो कितने पहले से कर रहे हैं पिछले चार साल से रिसर्च कर रहे हैं पांच साल से कर रहे हैं छह साल से कर रहे हैं तो क्या बिजनेस कमेंटमेंट से पहले के भी एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं तो आंसर इज यस अलाउड होते हैं बट सिर्फ और सिर्फ लास्ट थ्री इयर्स के जब आपका बिजनेस कमेंस हुआ है उससे पहले के तीन साल अलाउड हैं उससे पुराने अगर रिसर्च है के एक्सपेंसेस हैं डेड एक्सपेंसेस हैं उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे सिर्फ पुराने तीन साल के एक्सपेंसिस ले सकते हैं पिछले तीन साल में कौन कौन से एक्सपेंस ले सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पूरा अलाउ कर सकते हैं ऑब्वियसली एक्सेप्ट लैंड लैंड के ऊपर तो लेना नहीं है बट आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी करे होंगे ठीक है तीन साल uh, में जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस करे वो भी अलाउड है बट ओनली एंड ओनली टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस टाइपेंस इज रिलेटेड टू योर सैलरी जो आपने सैलरी दी है अपने employees को साइंटिफिक रिसर्च वाले लोगों को और जो उन लोगों ने मटेरियल यूज करा है सिर्फ वो दो एक्सपेंसेस अलाउड हैं इसके अलावा कोई और एक्सपेंस अलाउड नहीं है कमेंसमेंट से पहले का के के बाद के तो रेवेन्यू कोई भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो आपकी लैब ला, है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होगी जब कमेंसमेंट आपका बिजनेस कमेंस हुआ नहीं उससे पहले भी तो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे क्या कर रहे होंगे तो क्या वो खर्चा अलाउड है कमेंसमेंट से पहले का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अलाउड नहीं है बट कमेंसमेंट के बाद के तो रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड होते हैं कमेंसमेंट से पहले के सिर्फ दो एक्सपेंस लीजिएगा एक तो सैलरी एंड योर मेटीरियल यूज सब लोग समझ के ये बात आपको याद रखनी है लास्ट थ्री इयर्स के आप एक्सपेंसेस ले सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे के सारे एक्सेप्ट ऑब्वियसली लैंड और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी ले सकते हैं बट ओनली सैलरी और मटेरियल जितना यूज करा है फॉर साइंटिफिक रिसर्च ठीक है और कमेंसमेंट के के तो कोई प्रॉब्लम नहीं हंड्रेड डिडक्शन आप ले सकते हैं अब मुझे प्लीज बताइए आपने एक लेट से कंप्यूटर खरीदा और उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च के लिए और उसके ऊपर आपने हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले ली लेट से कंप्यूटर आया आपका वन लाख रुपीज का और आपने हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले ली तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी जीरो पक्का जीरो हो गई एक लाख का कंप्यूटर था अच्छा खासा कंप्यूटर था ठीक है आपने उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया कितनी वैल्यू होगी बुक्स में जीरो बिकॉज हंड्रेड परसेंट डिडक्शन आपने लिए है दो साल के बाद वो कंप्यूटर बेच दिया दो साल में कंप्यूटर खराब नहीं होता है हां थोड़ा सा डिप्रिशिएट तो होता है वैसे बट थोड़ा पुराना भी हो जाता है दो साल बट फिर भी बिक सकता है कितने का बिक सकता है सर एक लाख का कंप्यूटर था बिक जाएगा बीस पच्चीस तीस हजार चालीस हजार का डिपेंड करता है आपको कैसे कस्टमर मिल जाए तो जब आप इसको बेच देते हैं ठीक है आपने इसको डायरेक्टली बेच दिया डायरेक्टली का मतलब है साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज हो रहा था आपने आपने उसके बाद सोचा कि अब मेरे कोई काम नहीं है इसको बेच देता हूं आपने इसको बेच दिया तो फिर क्या होगा सर जो बेचने पर इनकम आएगी दैट इज अगेन योर टेक्स इंप्लीकेशन उस पर आने वाली है अब डिपेंड करता है देखिए फिर वो नंबर लाइन काम आ गई हमारे अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च का सेट बेचा तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी लेट से मेरे केस में कंप्यूटर था वो वन लाख रुपीज का उसकी वैल्यू कितनी होगी इस समय बुक्स में जीरो क्यों जीरो हंड्रेड परसेंट रिडक्शन मिल जाती है पक्का हंड्रेड परसेंट रिडक्शन मिल जाती है जीरो देखो साफ साफ लिखा हुआ है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी जीरो अब आपने जितने का भी कंप्यूटर ये बेचा फॉर एग्जाम्पल दस हजार का बीस हजार का चालीस हजार का पचास हजार का एक लाख तक तो जितना भी इनकम आई दैट इज योर पी अब तो आप समझ गए होंगे नंबर लाइन तो यहां तक जो इनकम आई दैट इज योर यीजीवीपी और एक लाख से भी अगर ऊपर का बिका रेयरली बिकेगा मशीन, पर फॉर एग्जांपल सर अगर वोट हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे और बाद में हमने उसको बेचा नहीं सर अपने नॉर्मल बिजनेस में ले लिया तो हम ले सकते हैं कि, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो आप नॉर्मल बिजनेस में वो चला जाएगा फिर कहां पर जाएगा वो आपके जो नॉर्मल आपका ब्लॉक होगा ठीक है वो अपने रिस्पेक्टिव ब्लॉक में चला जाएगा रिस्पेक्टिव ब्लॉक फॉर एक्जाम्पल कंप्यूटर का केस था तो कंप्यूटर पहले आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे डिडक्शन ले लिया आपने अब वापस इसको अपने ब्लॉक में ले जाइएगा ठीक है कौन से ब्लॉक में प्लांट मशीनरी फोर्टी परसेंट वाले ब्लॉक में कंप्यूटर वाले ब्लॉक में ले जाइएगा वहां पर करते हैं ना हम लोग डब्लू डीवी एट द बिगनिंग एडिशन ड्यूरिंग द ईयर तो आप वहां पर से पहले से फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल बिजनेस में चार पांच कंप्यूटर पहले से थे नॉर्मल बिजनेस में साइंटिफिक रिसर्च वाला भी आ गया वहां पर पांच कंप्यूटर पहले से थे एक कंप्यूटर और आ गया छह कंप्यूटर हो गए ब्लॉक बढ़ गया बट उसकी वैल्यू कितने पर लेना है जीरो क्यों अब क्या इस कंप्यूटर के ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो द आंसर इज नो सर इस, इस पे हम कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपका जितने का कंप्यूटर था आपने ऑलरेडी सेक्शन थर्टी फाइव सबको समझ में आ रहा है थोड़ा सा मैं जल्दी जा रहा हूं यहां पर क्योंकि मुझे लगता है ये ईजी बातें हैं और थोड़ा सा पुरानी चीजों से रिलेटेड है तो आप समझ पाएंगे तो सेक्शन थर्टी फाइव साइंटिफिक रिसर्च वाला जो कंप्यूटर था आपने उसके ऊपर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले ली होगी एक लाख का कंप्यूटर था हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ले ली होगी आप पूरा बेनिफिट उसका ले चुके हैं तो उसको अपने ब्लॉक में ले जाइएगा बट एट नील वैल्यू बट एट न्यू ब्लॉक का पार्ट बनेगा बट एट नील वैल्यू और अगर वो बाद में बिकेगा तो फिर तो बाद में वैसे ही बिकेगा जैसे ब्लॉक का पार्ट बिकता है ठीक है

तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई भी बिजनेस एस अगर चाहे तो यहां पे डोनेशन भी दे सकता है यहां पर पैसे भी दे सकता है तो जो अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो रिसर्च कराने के लिए किसी अप्रूव्ड जगह पर दें अप्रूव जगह पर नहीं इट शुड बी एन अप्रूव्ड प्लेस अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड एसोसिएशन अगर आप यहां पर पैसे देते हैं रिसर्च कराने के लिए हो सकता है उस रिसर्च से आपको फायदा भी मिले ठीक है और हो सकता है ना मिले मतलब वो आपके बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती है अनरिलेटेड अनरिलेटेड भी हो सकती है यू आर गेटिंग दिस ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उस रिसर्च इन हाउस मतलब अपने बिजनेस में ही रिसर्च करा रहे हो आप वो तो आपके बिजनेस रिलेटेड होनी ही चाहिए देखो मैंने वर्ड मस्ट इट मस्ट बी रिलेटेड बट अगर ये आउटसाइड रिसर्च है मतलब like, kind of kind of आप पैसे दे रहे हो।, हो सकता है वो रिसर्च आपके काम आ जाए हो सकता है उसका रिसर्च से जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो भी आउटकम होगा इट माइट भी बेनिफिट यू इट माइट नॉट बेनिफिट यू हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट से जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने डेली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और मुझे लगता है कि मतलब माए मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी क्लोज है डेली यूनिवर्सिटी तो मैं क्या करता हूँ उनको मैं पैसे दे देता हूँ उनको ठीक है मैंने उनको फॉर एग्जाम्पल डेली यूनिवर्सिटी का रिसर्च डिपार्टमेंट था मैंने कहा यार मैं मुझे इस यूनिवर्सिटी ने इतना पढ़ाया है तो और मैंने उनको कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने उनको दो लाख रुपये दे दिए फॉर एग्जाम्पल तो फॉर रिसर्च फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च ठीक है अब क्या वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है शायद नहीं तो क्या मैं उनको पैसे दे सकता हूं द आंसर इज येस मैं दे सकता हूँ इट्स अ काइंड ऑफ डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे भी सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाएगी तो इट मे और इट मे नॉट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस और जितना भी आप पैसा देंगे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दें इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन नेशनल लेबोरेटरी आई वगैरह को देंगे 100 परसेंट अलाउड है ठीक है आप हंड्रेड परसेंट अलाउड है पहले यहाँ पर वेटेड डिडक्शन भी होती थी आपको डिडक्शन ज़्यादा भी मिलती थी बट अब तो हंड्रेड हो गया है ठीक है चाहिए सोशल साइंस के लिए हो स्टैटिस्टिकल साइंस के लिए हो साइंस के लिए हो साइंटिफिक रिसर्च हो हंड्रेड परसेंट रिडक्शन मिल जाती है अब तो, अब तो 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 हो गया पहले तो हमें अलग अलग परसेंटेज रखनी होती थी बट नाउ इट थर्टी फाइव ए डी यहां पर आ जाइए पहले थर्टी फाइव डी प्रिलिमरी एक्सपेंसिस बिजनेस के बारे में बातें करता है कहता है थर्टी फाइव एडी कि अगर आप इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं अगर आप इस तरह के बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी आपको डिडक्शन मिलेगी हंड्रेड परसेंट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं बट सिर्फ तीन तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है लैंड के ऊपर तो ऑब्वियसली डिडक्शन नहीं मिलती है गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे लेट्स से ऑन फर्नीचर लेट्स से ऑन मशीन लेट्स से ऑन बिल्डिंग तो आपको हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाती है इन फोर्टीन बिजनेसेस में इन फोर्टीन बिजनेस में प्रोवाइडेड ये बिजनेसेस कमेंस हुए हो इस डेट या उसके बाद ठीक है तो सर क्या ये सब कुछ याद करना पड़ेगा एक दो बार रीड कर लीजिएगा डेट थोड़ा सा ध्यान में चाहिए बहुत बहुत जरूरी नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत बैक ऑफ द दे तो एक बार रीड कर लें क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क ठीक है फॉर गैस या पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है कोल्ड चेन फैसिलिटी मतलब कोल्ड स्टोरेज है फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फॉरेस्ट प्रोड्यूस वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू स्टार और अब कैटेगरी होटल हॉस्पिटल हंड्रेड बेड्स या उससे ज्यादा का हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ठीक है आपके एक हाउसिंग स्कीम है फॉर इसलम मैंने बिल्कुल शॉर्ट में दियाउसिंग स्कीम फॉर इसलम रीडेवलपमेंट हाउसिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का बिजनेस है ठीक है इनलैंड कंटेनर डिपो या कस्टम फ्रेड स्टेशन हम ड्राई पोर्ट्स भी बोलते हैं बी कीपिंग बिजनेस है शुगर स्टोरेज का बिजनेस है देखो वेयर हाउस ऊपर भी था बट ऊपर था सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यहां पर शुगर इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस तो सिर्फ इंडस्ट्रियल के लिए भी अलाउड होता है क्या? सिर्फ शुगर के लिए या फिर आपकी एक स्लरी पाइपलाइन है फॉर आयरन और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन है और लास्ट में ऐड हुआ था 2017 में डेवलपिंग और मेंटेनेंस ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो अगर इस तरह के बिजनेसेस हैं ये 14 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं इसके ऊपर जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं हंड्रेड की डिडक्शन मिल जाती है जिस साल भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा करते हैं और आपको पता है कि ऐसे बिजनेस में अगर लॉस भी आ जाए तो ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन्फेनाइट ईयर्स तक ठीक है बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप कोई खर्चा करते हैं कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है बिजनेस कमेंस होने से पहले क्योंकि बिजनेस कमेंस होने से पहले भी, भी कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं क्या वो अलाउड है आंसर इज यस बट जैसे बिजनेस कमेंस हो वो सारे खर्चे आप कैपिटलाइज करें उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखाएं एज योर एसेट्स कितने पुराने सर तीन साल पुराने चार साल पुराने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर पुराने खर्चे अलाउड है कोई डेट नहीं दी गई तो पिछले तीन चार पांच साल पुराने ये हो सकते हैं ठीक है बट हां जब बिजनेस शुरू करें आप इसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करके दिखाएं अपनी बुक्स में दस हजार से ज्यादा का अगर कोई कोई भी आपने एक्सपेंसेस किया है तो वो अलाउ होगा बट प्लीज उसको कैश में पेमेंट ना करें ठीक है इट शुड बी बाय बैंकिंग मोड अकाउंट पे चेक से पे करें अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से पे करें तो आपको अलाउड कर देंगे टेन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का बट टेन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा का अगर कोई खर्चा कैश में कराए तो आपको पता है वो तो अलाउ होता नहीं फिर तो उसके ऊपर तो हम डेप्रिसिएशन भी नहीं ले सकते सेक्शन टेन डबल ए ठीक है जो एस यूनिट होता है या चैप्टर सिक्स से की जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन होती है एट्टी आई आई ए वगैरह वाली ठीक है सी और सी स्टूडेंट समझ गए होंगे सी ए स्टूडेंट्स के लिए कोर्स में नहीं है सी इंटर के लिए तो अगर आप सेक्शन थर्टी फाइव ए डी लेते हैं तो आपको ये डिडक्शन नहीं ले सकते आप ठीक है और असेट जो आप यूज कर रहे हैं इस स्पेसिफाइड बिजनेस में उसको आठ साल से पहले आपको ट्रांसफर नहीं करना है आठ साल से पहले ट्रांसफर कर देंगे तो हम आपकी बिजनेस इनकम मान लेते हैं जो हमने सेक्शन ट्वेंटी में पढ़ा ठीक है और दूसरी बात अगर आप इसको अपने नॉर्मल बिजनेस में पहले आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करा था असेट और फिर आपने इसको नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर लिया तो अगर आपने इसको नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर लिया है तो क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में तो आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था और आपको यहाँ पे थर्टी फाइव एडी की रिडक्शन मिल गई हंड्रेड परसेंट तो इस केस में हम आपको क्या करेंगे हम आपको जितनी भी रिडक्शन दी थी वो हम वापस ले लेंगे आपसे तो आपकी डीम बिजनेस इनकम हो जाएगी बट आप क्या बोलेंगे सर आप पूरी डिडक्शन वापस मत लीजिए इसका अगर नॉर्मली मैं बिजनेस में, में यूज करता शुरू से तो इस पर डेप्रिसिएशन भी होता तो ठीक है तो हम जितना भी आपको डिडक्शन मिली थी थर्टी फाइव एडी में उसमें से डीम डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है दैट वुड बी योर बिजनेस इनकम

अगर ये आप असेट शुरू से यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते दो साल का डेप्रीसिएट के बनता है वो कर फिर आपको जो भी बचेगा, तो ये था सेक्शन थर्टी फाइव एडी स्पेसिफाइड नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का एक्सपेंसेस बहुत कम पूछा जाता है बट कभी कभी क्या होता है ये पूछा कैसे जाता है आपके एग्जाम में एन एल अकाउंट दिया है यहां पे लिखा होगा टू प्रिलिमरी एक्सपेंसेस वन लाख रुपीज तो क्या ये अलाउड होते हैं हा सर थर्टी फाइव डी में हम लोग पढ़ते हैं प्रीलिमरी एक्सपेंसिस अलाउड होते हैं अलाउड तो होते हैं बट फाइव इंस्टॉलमेंट्स में one -fifth, one -fifth, one -fifth करके तो अगर आपको वन लाख रुपीज लिखा दिखाई दे तो प्लीज उसको वन लाख को एडबैक कीजिएगा और सिर्फ इसमें से कितना अलाउ कीजिएगा बीस हजार तो बीस हजार ही अलाउ करिएगा या फिर एक काम कीजिएगा 80000 थाउजेंड को बैक कर दीजिएगा मतलब फोर फिफ्थ को बैक करना वन फिफ्थ अलाउ करना कैसे भी कर सकते हो पूरा वन लाख को एड बैक करिए ट्वेंटी थाउजेंड अलाउ कीजिए या फिर इसमें से ट्वेंटी थाउजेंड रहने दीजिए बाकी का एटी थाउजेंड बैक कर दीजिएगा ठीक है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं ठीक है और अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें जनरली इस तरीके से पूछा नहीं जाता जनरली वैसे ही पूछा जाता है पी अकाउंट में आपको यहाँ पर प्रिलिमरी एक्सपेंसिस दे दिया गया बट फिर भी आप याद रखिएगा कितने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अलाउड होते हैं जितने आपके एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड होते हैं बट सब्जेक्ट टू कि ये पांच परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ़ द प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होने चाहिए जो आपकी बिजनेस के असेट्स की वैल्यू है टोटल उसका फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए दैट वी वीकॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ठीक है सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए आपने कितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज किए हैं और आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन होगी आपको एग्जाम में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइव परसेंट इन दोनों में से एवर इज लोअर ही अलाउड है और जो भी आए इन दोनों में से lower, उसको में से एवर इज लोअर प्लीज उसको अलाउ कीजिएगा ठीक है एंड इन केस अगर एस एस कंपनी है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहां पर अगर एस एस कंपनी है तो आपकी क्या कीजिएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस तो ठीक है यहां पर फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट या फाइव परसेंट ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड इन दोनों में से पहले हायर लीजिएगा ठीक है तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इनकेस दस एस सी इज अंपनी एस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का फाइव परसेंट और कैपिटल इंप्लॉयड का फाइव परसेंट पहले इन दोनों में से हायर दिखेगा ठीक है तो इन दोनों में से पहले हमने हायर देखा और इसको कंपेयर कीजिएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस से और जो भी इसमें से हायर आया एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस उन दोनों में से लोअर लेना है ठीक है याद रहेगा पहले इन दोनों में से हायर जो एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर कीजिएगा विच एवर इज लोअर उसको अलाउ कीजिएगा फाइव इंस्टॉलमेंट्स में थर्टी फाइव डी फाइव इंस्टॉलमेंट्स में ठीक इसी तरीके से सेक्शन है थर्टी फाइव डबल डी और थर्टी फाइव डी डी है ये भी सेम पांच पांच इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होता है जितने भी आपके एक्सपेंसिस हुए हैं अमलगमेशन गमेशन एक्सपेंसिस ऑल्सो थर्टी फाइव डबल डी सिर्फ कंपनी के लिए होता है क्योंकि इनका अगर अमलगमेशन हुआ है कंपनीज का तो जो नई कंपनी बनी है वो डिडक्शन ले सकती है थर्टी फाइव डबल डी इज नॉट इन सी एंटर बट सी एम और सी एस एग्जीक्यूटिव के कोर्स में है ठीक है बहुत सिंपल सी बात है वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है सी एंटर स्टूडेंट्स आपको भी क्योंकि एक सेकंड में एक, एक सेकेंड तो नहीं मतलब दस पंद्रह सेकंड में खत्म हो रहा है तो थर्टी फाइव डबल डी ए कहता है जितने भी अमलगमेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी अलाउड हैं फाइव इंस्टॉलमेंट्स में ठीक है फाइव इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड है नई कंपनी फाइव इंस्टॉलमेंट्स में इसको ले सकती है बिल्कुल ठीक ऐसे ही है थर्टी फाइव डी डी ए थर्टी फाइव डी डी ए सबके कोर्स में सी एंटर के भी कोर्स में और सी एम ए और सी एस में तो है ही है थर्टी फाइव डी डी ए कहता है जो भी वी आर एस रिलेटेड एक्सपेंस है किसी भी आपने इंप्लॉय को रिटायर किया उसको एक साथ कंपनसेशन आपको देनी पड़ी है ठीक है आपने एक साथ कंपनसेशन दे दी है तो ये एक्सपेंस भी अलाउड है बट फाइव इंस्टॉलमेंट्स में इसको अलाउ कीजिएगा सो दिस वॉज थर्टी फाइव डी डी ए नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं थर्टी सिक्स मैं चाहूंगा कि इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा ठीक है तो इसको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ठीक है लगभग एक डेढ़ घंटा और अभी लगेगा हमें कंप्लीट करने में चार्टर वेजन. तो हमारा अपना पी जो बहुत बड़ा चैप्टर है वो हम जल्दी से मतलब आई बिलीव शायद डेढ़ या दो पौने दो घंटे लगभग शायद इस क्लास को हो गए हैं तो अभी एक डेढ़ घंटा और होगा फिर हम कंप्लीट कर पाएंगे तो हम लोग को थर्टी सिक्स थर्टी सेवन पढ़ने हैं ठीक है थर्टी थोड़ा सा सेक्शन है फिर सेक्शन फोर्टी इंपॉर्टेंट है फोर्टी के बारे में बातें करेंगे और फिर हमारा यहाँ पर सेक्शन फोर्टी फोर इनकम वगैरह के बारे में बातें करेंगे और ये खत्म हो जाएगा पी तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर